हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है एंड यू नो आई होप दैट आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आई नो मैं कुछ दिन से अपलोड नहीं कर पा रही थी बिकॉज आई हैड सम इश्यूज, ठीक है, जो सिर्फ मैं नहीं कहूँगी प्रैक्टिकल इश्यूज बट ऑल्सो सम ऑफ माई स्पिरिचुअल इश्यूज विच आई हैड टू रिजॉल्व। सो एज यू गाइज नो दैट आज जो मैं ये जब मैं इस वीडियो को बना रही हूँ, इट्स अ फुल मून, सो आई वेंट थ्रू सम रिचुअल्स टूडे। आई डिड फॉर माई सेल्फ एंड नाउ आई एम अ लॉट बेटर एंड एक्चुअली देर इज नो लाइक नो नीड टू वरी, ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, देर इज नो नीड टू स्ट्रेस। तो अभी से लाइक आई पुट रेगुलर वीडियोज, आई ट्राई टू बी मच मोर रेगुलर, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने रीच आउट किया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आप लोगों ने कहा है दैट यू रियली मिस द वीडियोज एंड एवरीथिंग, तो थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट यू लाइक एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। तो आई डू इट, ठीक है, आई डेफिनेटली डू इट, आई लव डूइंग इट एंड या सो जस्ट लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है, वो अभी आप लोगों को पता चल गया होगा कैप्शन से दैट इट्स अबाउट द फुल मून। बिकॉज आई डोंट नो, यू नो, ये फुल मून जो है लाइक इट्स वेरी ओवरवेलमिंग एंड आई थिंक मुझे ये बहुत ही इंट्यूटिवली फील हो रहा था दैट दिस फुल मून बहुत सारे लोगों के लाइफ में बहुत सारी चेंजेस लेके आने वाला है। देर इज समथिंग अबाउट दिस, ओके, समथिंग वेरी हैवी, समथिंग वेरी ओवरवेलमिंग। तो मुझे नहीं पता किसके लाइफ में क्या चल रहा है बट आई होप दैट आप सब सही हो, ठीक हो, लाइक हैप्पी हो एंड लेट्स सी। मैं छोटा सा एक पिक कार्ड यहाँ पे करना चाहूँगी ताकि आप लोगों को थोड़ा चॉइस मिले टू चूज फ्रॉम एंड फिर हम लोग देखेंगे एवरीथिंग दैट ये न्यू मून आप लोगों के लिए क्या लेके आ रहा है, ये न्यू मून में क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या चेंजेस, क्या ट्रांसफॉर्मेशंस, क्योंकि इस न्यू मून में बहुत सारे कार्मिक रिलीजेस भी हो रहे हैं। सो आई ऑल्सो वॉन्ट टू टैप इन टू दैट बिकॉज आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए ये जानना बहुत जरूरी हो सकता है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू नो वॉट इज हैपनिंग विथ यू गाइज एंड मैं आप लोगों को भी थोड़ा सा क्लैरिटी देना चाहूंगी थ्रू माई रीडिंग्स। सो हियर वी आर, पाइल नंबर वन, पाइल नंबर टू, आप अपना पाइल चूज कर सकते हो अपना इंट्यूशन से। आपको और भी ज्यादा टाइम चाहिए तो आप और भी ज्यादा टाइम ले सकते हो, आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा और समय दे सकते हो यहाँ पर, इट्स अप टू यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइल वन जो होगा दैट इज दैट विल बी अ टाइम फॉर हीलिंग, द कार्ड विच सेज अ टाइम फॉर हीलिंग, जस्ट अ मोमेंट, ओके। एंड पाइल नंबर टू जो है वो है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। सो ये है दो पाइल्स, पाइल नंबर वन, पाइल नंबर टू। आप अपना पाइल चूज कीजिए, अपना इंट्यूशन को काम पे लगाइए, जस्ट लुक एट द पिक्चर। आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, आपको जैसे चूज करना है, जिस भी तरीके से करना है यू कैन चूज, बट मैं चाहती हूँ कि आप अपना इंट्यूशन को यूज करें बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी spiritual reading, this is going to be a very heavy kind of a reading because मुझे already energy यहाँ पे feel हो रहा है and जब मैं बैठ रही थी reading के लिए I got this very intuitive nudge that I should do this and मुझे थोड़ा सा pressure feel हुआ मेरे throat chakra में, मेरे heart chakra पे। so I think जो भी ये video देखोगे, जब भी आप देखोगे, ये timeless of course है, आपको आज ही देखना पड़ेगा, ऐसा like ऐसे कोई जरूरी बात नहीं है and I feel like, there is a lot जो यहाँ पे spirit आप लोगों से communicate करना चाहते हैं and this is a very strong kind of a feeling जो मुझे हो रहा है, जो मैं शायद पूरी तरीके से explain भी नहीं कर पा रही हूँ। This is a very overwhelming and a strong feeling, so I hope that आप लोगों को भी अपना आंसर्स यहाँ पे मिल जाए इस रीडिंग के थ्रू एंड वॉट एवर स्पिरिट यहाँ पे मेरे थ्रू चैनल करना चाहते हैं, जो भी मैसेज आप लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, आई जस्ट विश, आई जस्ट प्रे दैट सबको वो सारे मैसेजेस मिले। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम। मैं शुरू करूंगी पाइल नंबर वन के साथ, चलिए देखते हैं। सो पाइल नंबर वन आपका जो कार्ड है दैट इज अ टाइम फॉर हीलिंग, काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज it's talking about the healing situation.
सो हम लोग यहाँ पे सारा कुछ देखेंगे, लव, करियर, थोड़ा सा आपका सिचुएशन, वट एवर कम्स थ्रू, वट एवर स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू नो. लेट्स सी, पहले आपका इमोशनल साइड देखते हैं यहाँ पे. ओके, वी हैव वेडिंग, लेकिन ये रिवर्स में आया है, सो विल टेक दैट. लेट्स सी स्पिरिट, फाइल नंबर वन. Pay attention to the red flags. Release your ex, लेकिन ये भी रिवर्स में है. Can we take one more? मैं हमेशा ये रिवर्सल्स लेती नहीं हूं, बट आई थिंक इस रीडिंग में मुझे लेना चाहिए बिकॉज मैं ये बहुत ही इंटुएटिवली करना चाहती हूँ. वी हैव forgiving एंड लर्निंग. Wow. I think we need a little bit more light. Wait. Okay. Wow. First of all, what I see, आपका इमोशनल या आपका रोमांटिक लाइफ की अगर मैं बात करूं यहां पे पाइल वन, आई कैन डेफिनेटली सी दैट कुछ तो है जो आप जिस तरह से वर्कआउट करवाना चाहते थे वो चीज उस तरह से वर्कआउट किया नहीं या कर नहीं रहा है. सो देर इज अ सिचुएशन जहां पे आपका एक्सपेक्टेशन कहीं से टूट रहा है, किसी से टूट रहा है, किसी रिलेशनशिप, किसी सिचुएशनशिप, कुछ भी है, मैरिज, व्हाटएवर, कोई भी ये जो पर्सन है आपके माइंड में, इनके साथ आपने चीजों को बहुत अलग तरीके से इमेजिन किया था, ठीक है, बट रियलिटी में अभी काइंड ऑफ उसका ऑपोजिट हो रहा है. आपको इस कहीं पर आपने बहुत मुश्किल से किसी के ऊपर ट्रस्ट किया था, बहुत मुश्किल से आपने किसी चीज के ऊपर होप्स रखे थे, बहुत मुश्किल से आपने अपने आप को एक, मान लो, एक शेल से निकाला था, अपने आप को अपने ही कैद खाने से आप निकाल कर बाहर लाने ही वाले थे, अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने ही वाले थे, या आपको लग रहा था कि एक विश फुलफिलमेंट होने ही वाला है बस कुछ ही देर और, लेकिन उसी मोमेंट पे आप देखोगे या आप देख रहे हो दैट सिचुएशन बिल्कुल उल्टा जा रहा है. आप जो सोच रहे थे, आप जैसे प्लान कर रहे थे, कुछ भी वैसा हो नहीं रहा. सम ऑफ यू आपके मैरिज जो लाइफ है, आपका मैरिज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, मे बी बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, या बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं ये मैरिज में एक बहुत बड़ा गैप आ गया है, एक डिस्टेंस आ गया है, इमोशनल डिस्टेंस, या हो सकता है ज्योग्राफिकल डिस्टेंस, कि आपके जो स्पाउस है वो कहीं और है इस वक्त, मे बी काम के वजह से या किसी भी वजह से, एंड एक गैप है यहाँ पर. सो आई कैन सी देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्टेंस या अ लॉट ऑफ पेन, इमोशनल पेन जो कुछ लोग यहाँ पे फील कर रहे हो, एंड कुछ ऐसे लोग हैं जो बस आप बस एनॉयड हो, आप बस फ्रस्ट्रेटेड हो दैट कितना बार मैं करूं, मैं कितना टाइम लगाऊं, मैं कितना इस पर्सन को और चांस दूं, कब ये सही होगा. एक फ्रस्ट्रेशन है, एक पेन है, एक एंगर है, बिकॉज इस बार आपने सच में मेहनत किया था, इस बार आपने सच में कोशिश किया था, इस बार आपने सच में अपना जी जान लगाया था, आपने अपने तरह से आपने पूरी कोशिश की थी टू मेक दिस हैपन, या इस कनेक्शन को, या इस मैरिज को, या ये जो भी है आप दोनों के बीच में, इसे सक्सेसफुल बनाने के लिए, बट आप बस हार्ट ब्रोकन हो, आप हार्ट ब्रोकन हो दैट इतने सारे एफर्ट्स के बावजूद, इतने सारे मैनिफेस्टेशन के बावजूद, या इतने सारे प्रेयर्स के बावजूद, आज आप लोग इस मुकाम पर आके खड़े हो जहां पे आपको हार्ट ब्रेकिंग फील हो रहा है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको फियर हो रहा है, एंड बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस है जो अंदर से बाहर आ रहे हैं, जो अभी तक आपके अंदर ट्रैप्ड थे ये इमोशंस, एंड सडनली आपको लग रहा है कि मेरे अंदर से इतने सारे इमोशंस कैसे बाहर आ रहे हैं, जो कभी मुझे पता ही नहीं था इतने सारे इमोशंस है मेरे अंदर. एंड ये इसलिए आ रहा है बिकॉज इट्स अ टाइम ऑफ रिलीज. न्यू मून इज अ टाइम ऑफ रिलीज, जहां पे हम लोग रिलीज करते हैं, लेट गो करते हैं. तो यहाँ पे आप बहुत सारे इमोशंस को रिलीज करते हुए मुझे नजर आ रहे हो पाइल वन. बहुत सारे इमोशन, पेन हो सकता है, एंगर हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, लव हो सकता है, जेलसी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, बट आप रिलीज कर रहे हो, इमोशंस को रिलीज कर रहे हो. बहुत एक्सट्रीम लेवल पे आप इमोशंस को फील कर रहे हो, एक्सट्रीम
लाइक आपको ऑलमोस्ट प्यार के नाम पे ऑब्सेशन जैसा फील हो रहा है, आपको अगर गुस्सा आ रहा है तो बहुत गुस्सा आ रहा है, आपको पेन हो रहा है तो बहुत एक्सट्रीम में जाके आपको वो दर्द महसूस हो रहा है. सो यू आर नॉट हैप्पी विथ हाउ थिंग्स आर, क्योंकि आपको लगा था कि इस बार तो चीजें काम करेंगे, इस बार तो कुछ अलग होगा, लेकिन नहीं हुआ. सेम पैटर्न, सेम टॉक्सिसिटी या सेम तरह से चीजें आगे बढ़ता गया, बढ़ रहा है इस वक्त. एंड यू आर सो हार्ट ब्रोकन, या आप बस फ्रस्ट्रेटेड हो और आप बस यही सोच रहे हो कि क्यों, लाइक मेरे साथ ही क्यों, या बार बार ऐसा क्यों होता है, राइट? तो लेट्स सी कि आपके ये जो भी पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे हो, इनकी फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स, इमोशंस क्या है, इंटेंशन, वट एवर आपके लिए. क्योंकि अभी तक तो हम लोग आपका ही, मुझे लगा ये आपका ही एनर्जी है. लेट अस सी योर पर्सन एनर्जी. What is this person feeling for pile number one? Spirit, thank you. Okay. Five of Pentacles reversed है. Okay. Pile number one के लिए उनके person क्या feel कर रहे हैं? Seven of Swords energy. What is pile number one's person feeling, Spirit? Ooh, Five of Cups. See. जस्ट आप लोग खुद ही देखो. नॉट सो मैनी, ओ माई गॉड. मुझे ये दो कार्ड्स नजर आ रहे हैं तो मैं ये दोनों कार्ड्स ही लेना चाहूंगी यहां पर. एनीथिंग एल्स? ठीक है, पहले इतने सारे कार्ड्स आ गए हैं. देखिए पाइल नंबर वन क्या है कि आपके पर्सन खुद भी बहुत ज्यादा पेन में है, ठीक है, पर वो दिखाते नहीं है. आई थिंक वो जिस तरह से सामने आ रहे हैं, मुझे थोड़ा सा कंफर्म करने दीजिए कि उनका वो बाहर से कैसे दिख रहे हैं, बाहर से उनका क्या एनर्जी लोगों को देखने को मिल रहा है या आपको देखने को मिल रहा है. डिस्टेंट होराइजन्स. मुझे लगता है पाइल वन, देखिए आपके पर्सन यहाँ पे जो है, जो भी ये पर्सन है, हो सकता है ये एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है पहले तो, ठीक है, हो सकता है ये एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है जहां पे ये पर्सन बहुत इस वक्त बहुत डिस्टेंट महसूस कर रहे, या आपको ये पर्सन जैसा दिख रहे हैं बाहर से वो ऐसा है कि ओ मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, मैं उतना केयर नहीं करता या करती, मुझे उतना ज्यादा मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे लिए, मैं तो बहुत बिजी हूँ, मेरे लाइफ में तो दूसरे प्रायोरिटीज़ है, ये है वो है. लाइक ये पर्सन ऐसा एनर्जी बाहर से दिखा रहे हैं कि इनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इतना बिजी है ये, इतना यू नो अपने आप से जुड़े हुए हैं, अपनी जिंदगी से जुड़े हुए हैं कि उनको कोई टाइम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके लिए. आप बाहर में जाओ, आप कुछ भी करो, उनके पास कोई टाइम नहीं है, या उनके पास सोचने जैसा कुछ भी उनको मन ही नहीं है, मूड ही नहीं है. मान लो एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग सा फीलिंग आपको ये देके जा रहे हैं या दे रहे हैं इस वक्त, बाहर से देख के आपको बहुत हार्ट ब्रेकिंग लग रहा है कि अरे मैं इतना प्यार करती हूँ या करता हूँ एंड सामने वाले को फर्क ही नहीं पड़ता, सामने वाले को तो कुछ आता जाता ही नहीं है, इसका तो मतलब अलग ही चल रहा है दुनिया. बट रियालिटी कुछ अलग है. रियालिटी में आपके पर्सन बहुत इंटरनली सफर कर रहे हैं, लेकिन इस पर्सन का एक बहुत बड़ा ईगो है, या इस पर्सन का या इस कनेक्शन में एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि ये सफरिंग, ये पेन, ये ट्रॉमा, ये इमोशंस वो आपको दिखाना ही नहीं चाहते हैं, वो बताना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है क्या फायदा. वैसे भी तो मैं पाइल नंबर वन के पास नहीं जा सकता या जा सकती, वैसे भी तो मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, या हो सकता है ये मैरिड है, हो सकता है आप मैरिड हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस है जैसा कि पहले ही मैंने कहा, हो सकता है कि आप लोगों का एज या कल्चर बैकग्राउंड सब डिफरेंट है, बहुत बहुत कुछ डिफरेंट हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है. बट कहीं ना कहीं इस टाइम पे एक ब्लॉकेज है यहाँ पर, जिसके लिए इनको लग रहा है कि ये आप तक पहुंच नहीं पा रहे, एंड ये एक्सटर्नल ब्लॉकेज है जिसके ऊपर इनका कंट्रोल फिलहाल नहीं है, ठीक है. तो ये और भी ज्यादा मायूस हो रहे हैं वो सोचकर. मैं आपको इतना कहूंगी कि इनके मन में आपके लिए बहुत सारे फीलिंग्स हैं, बहुत सारे फीलिंग्स हैं, एंड मैं आपको ये गारंटी दे सकती हूँ, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ. अगर आपको अभी तक ये पाइल रेजोनेट किया है
तो ये आपका पाइल आपको पता है एंड ये पर्सन आपके लिए बहुत बहुत सारे फीलिंग्स रखते हैं. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इनके फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इन्होंने खुद ही अपने मन में छुपा कर रखा है, कैद करके रखा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है इन्होंने चीज़ों को. सिंपल चीज़ों को भी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से काइंड ऑफ हैंडल कर रहे हैं. जो बात सीधी तरीके से कहा जा सकता है फिर भी वो उस चीज़ को छुपा रहे हैं, घुमा फिरा के बोल रहे हैं या बोल ही नहीं रहे हैं. कहीं ना कहीं इस टाइम पे वो आपसे भागना चाहते हैं, वो दूर जाना चाहते हैं, वो बस भाग जाना चाहते हैं कहीं पर, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो अब ये इंटेंसिटी को ले नहीं पा रहे हैं. वो इतना प्यार, इतना इमोशन, इतना अटैचमेंट, लेकिन वो पास आ नहीं सकते, वो कुछ कर नहीं सकते. इतना वो कॉन्ट्रास्ट हो गया है उनकी ज़िंदगी में कि वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं ऑलमोस्ट, कि वो पूरा टाइम इसके बारे में सोच रहे हैं. एंड उन्हें लग रहा है कि इस टाइम पे मैं कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता या कर सकती, तो इससे अच्छा है कि मैं थोड़ा भाग जाता हूँ या मैं ब्रेक ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, कि मुझे हैंडल करना ही नहीं है, मुझे सोचना ही नहीं है, क्योंकि मैंने अगर सोचने लगा मैं पागल हो जाऊंगा. दैट इज द एनर्जी. तो आपको इनको देखकर लग सकता है कि आपसे भाग रहे फॉर एवर. आपको लग सकता है कि ये एकदम परमानेंटली जाने की डिसीजन ले चुके हैं. मे भी कुछ लोगों के लिए आपको इन्होंने कह भी दिया है कि ये वर्कआउट नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये है प्रॉब्लम, वो है प्रॉब्लम, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ, वट एवर. रियालिटी में ये पर्सन इतना ज़्यादा अटैच्ड है ना आपसे, दैट वो जाने लाइक परमानेंटली आपको छोड़ के जाने की बात सोच भी नहीं सकते. और कुछ लोगों को ये सुन के हैरानी होगी, मुझे पता है. आपको लगेगा कि ये क्या है, मतलब कुछ भी नहीं है ये चीज़. ये बहुत एक डीप लेवल ऑफ अटैचमेंट है जो वो आपके साथ फील करते हैं. फीलिंग तो है ही, इमोशंस है, प्यार है, पर ये जो अटैचमेंट है, दो सोल लेवल का जो अटैचमेंट है, इसे वो डिनाई करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उन्हें अभी भी ऐसा लगता है, उन्हें ये चीज़ पता है दैट इसको वो भुला नहीं सकते, इसे वो डिनाई नहीं कर सकते, इसे वो बाकी कोई मामूली कनेक्शन जैसा ट्रीट नहीं कर सकते कि हाँ वर्कआउट नहीं किया तो हम लोग अलग हो गए एंड फिर हम लोग अपने लाइफ में मूव ऑन कर गए, हम लोग अपना लाइफ जीने लगे. इतना आसान नहीं है ये कनेक्शन, ना आपके लिए है ना इनके लिए है. आपको लग सकता है कि वन साइडेड, आप खुद ही ऐसा फील कर रहे हो, सामने वाले को देखो फर्क नहीं पड़, ऐसा नहीं है. सामने वाले को भी फर्क पड़ रहा है, वो दिखाना नहीं चाहते हैं, वो भागना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है नहीं. और ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है, या तो इनको ईगो बहुत ज़्यादा है, या तो इनको लगता है कि हर चीज़ अगर उनके कंट्रोल में नहीं हुआ तो फिर वो उस चीज़ से उस चीज़ का वो सामना करना ही नहीं चाहते. इन्हें कंट्रोल में रहना अच्छा लगता है, किंग ऑफ पेंटिकल्स. इन्हें वो सिंहासन पसंद है, इन्हें वो कंट्रोल पसंद है, इन्हें वो सब चीज़ के ऊपर वो अपर हैंड रखना अच्छा लगता है. लेकिन जब भी कोई चीज़ उनके कंट्रोल के बाहर हो जाती है तो बस वो वहीं पर उनका दिमाग खराब हो जाता है, वहीं पर उनको एंजाइटी हो जाती है, वहीं पर उनका गिव अप करने का एनर्जी आ जाता है, जो इस वक्त हो रहा है. वो ऑलमोस्ट गिव अप करना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, क्योंकि वो पेन में है कि क्यों नहीं हो रहा है. मैं इस पाइल नंबर वन को मैं इतना चाहता हूँ या चाहती हूँ, पर फिर भी मुझे मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मैं चीज़ों को आगे बढ़ा के लेके नहीं जा पा रहा हूँ. सिचुएशन ऐसा है कि यहाँ पे कुछ मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है, सामने हम लोग कुछ आगे कर नहीं पा रहे, इसमें नेक्स्ट स्टेप नहीं लिया जा रहा है, या जो मैं चाहता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ चीज़ें वैसे हो नहीं रही है. लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, पेन, एंगर. फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन मे बी कुछ टाइम के लिए कुछ रिबाउंड्स कर सकते हैं, यहाँ वहाँ इनके उनके साथ बात कर रहे, फ्लर्ट कर रहे, सोशल मीडिया पे ऑप्शंस ओपन रख रहे हैं, पर यकीन मानिए ये सिर्फ कुछ ही पल के लिए है, मे बी एक महीने के लिए, 15 दिन के लिए, क्योंकि ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि ये अपने दिमाग से ये चीज़ को निकाल सके दैट वो आपसे कितना अटैच्ड है, कि उनको कितना फर्क पड़ रहा है. तो अगर ये फिलहाल कोई थर्ड पार्टी में है, या वो किसी और को एंटरटेन कर रहा है आपके सामने, या वो बहुत बिजी रहने लगे हैं, वो पूरा पूरा टाइम अपने काम को लेके बैठे हैं, या वॉट एवर दे आर डूइंग, ये इसलिए है क्योंकि वो आपको अपने दिमाग से निकालना चाहते हैं, वो अपने आप को बिजी रखना चाहते हैं, डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं. उनको लगता है ये वो करने से उनका पेन कम हो जाएगा, उनका ये सब, उनको सोचना नहीं पड़ेगा इतना. ओके, लेट अस सी दैट यहाँ पे आगे होने क्या वाला है. कौन सा मुझे यूज करना चाहिए.
let's use this one. Let's see that यहाँ पे आगे होने क्या वाला है. Next action, next movement in this connection from this person. Let's see from this person. Oh, the Emperor, the Eight of Pentacles. देखिए मुझे जो फील हो रहा है ना कि आपके पर्सन आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड रहने लगेंगे कि मैं इसे कांटेक्ट करूं. अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, इनके मन में ये कंफ्यूजन रह जाएगा कि मैं पाइल नंबर वन को कांटेक्ट करूं या नहीं. सी द मैजिशियन, मैं कांटेक्ट करूं या मैं ना करूं, मैं उसको जाके बताऊं अपने मन की फीलिंग्स के बारे में या मैं छुपा लूं, या मैं जैसे हूं मैं वैसा रहूं या वैसी रहूं. क्योंकि वो आपसे भाग रहे हैं, ठीक है. वो काइंड ऑफ कहीं पर जाके छुपना चाहते हैं, वो काइंड ऑफ आपके आपसे पर्दा करना चाहते हैं, वो काइंड ऑफ आपसे आपको ऐसा दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत बिजी हो गए हैं और उनके पास टाइम नहीं है. तो आपको आप फिलहाल उनका पीछा मत कीजिए और आप अपना जिंदगी जिए. वो भी अपना काम कर रहे हैं, वो बहुत बिजी है ऐसा. लेकिन अंदर अंदर जो फर्क पड़ रहा है, ठीक है, वो तो ये छुपा रहे हैं. बट आने वाले टाइम में उनके बीच में एक दोगलापन रहेगा कि एक तरफ उनको लगेगा कि मैं पाइल वन को बहुत मिस करता हूँ या करती हूँ, मुझे पाइल वन से बात करना है, मुझे अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, मैं और छुपा नहीं पा रहा है, ये बहुत पेनफुल है, ये है वो है. दूसरे साइड में उनको ये भी लगेगा कि मैं क्यों जाऊं. उनका ईगो, जो मैंने कहा कुछ देर पहले कि उनका ईगो बहुत ज्यादा है कि मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों करूं. अगर कोई प्रॉब्लम है, डिसएग्रीमेंट हुआ था आप दोनों के बीच में, तो वो उस चीज को एक इश्यू बना सकते हैं कि हाँ हमारे बीच में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, या हमारे बीच में डिस्टेंस है, ये है वो है. तो अपने आप को एक्सक्यूज दे सकते हैं. उनका ईगो बढ़ चढ़ के बोल सकता है, ईगो उनका सर चढ़ के बोल सकता है. बट कहीं ना कहीं जाने अनजाने में मैं आपको इतना कहूंगी कि ये पर्सन आपको खुद ही मैनिफेस्ट करेंगे. अब आप कह सकते हो कैसे, ये तो स्पिरिचुअल है ही नहीं, ये तो ये सब मानते ही नहीं है, ये तो मैनिफेस्टेशन इन्हें पता ही नहीं है. प्यार इज अ फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशन. आप अगर दिल से किसी को प्यार करते हो, अगर आप दिल लगा दिए हो किसी के साथ जेन्युइनली प्योरली, तो आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर ही लेते हैं. द क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, यहां पे कुछ देर पहले क्या आया था उनके फीलिंग्स में, द किंग ऑफ कप्स, जो कि वो है द किंग ऑफ कप्स. एंड यहां पे जो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दैट इज द क्वीन ऑफ कप्स, यू. लेट्स सी और क्या करना चाहते हैं वो, या क्या करेंगे वो. द सन, देखिए मैं आपको इतना कहूंगी दैट अब देखिए कुछ लोगों के लिए ये टाइमिंग का डिफरेंस आ सकता है. कुछ लोगों के लिए ये एक्शन बहुत जल्दी आएगा, आने वाले 7-10 दिन में आएगा. कुछ लोगों के लिए 1-2 महीने में आएगा. कुछ लोगों के लिए शायद 3-4 महीने में आएगा. बट आने वाले टाइम में मुझे जो दिख रहा है दैट ये पर्सन एक्शन लेने वाले है. ये कनेक्शन आगे बढ़ने वाली है, ये परमानेंट एंडिंग नहीं है. क्योंकि प्यार है गाइस, प्यार है यहाँ पर. इस प्यार को डिनाई नहीं किया जा सकता. आप कुछ भी कहो, कुछ भी करो, आप प्यार को डिनाई नहीं कर सकते. जो आपके दिल में है वो है, उसे एक्सेप्ट करना ही है, उसे मानना ही पड़ेगा. तो आने वाले कुछ टाइम में आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने ऊपर फोकस करना है, आपको अपने लाइफ के बारे में सोचना है, आपको अपने स्टेबिलिटी पे काम करना है. अगर आप इनको मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप वो भी मैनिफेस्ट कर सकते हो. आपको कुछ भी रिचुअल करना है, आप वो भी कर सकते हो. बट I can assure you that ये कनेक्शन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है. ये कनेक्शन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है. Let's see more. अच्छा, let me just. मुझे नहीं पता क्यों, बट ये पर्सन अपने फीलिंग्स को इतना छुपाते हैं आपसे. अगर ये इतना नहीं छुपाएंगे तो शायद ये कनेक्शन थोड़ा सा आसान हो जाता. बट एनीवेज, लेट्स सी.
और क्या जान सकते हैं हम लोग फाइल वन के कनेक्शन के बारे में स्पिरिट। मैजिक स्ट्रीम हो सकता है ये एक वाटर साइन है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, या वाटर प्लेसमेंट इनके चार्ट में बहुत हेवीली है, या ये ऐसे किसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे आसपास बहुत ज्यादा बहुत खूबसूरत समुन्द्र है, नदी है, ऐसा कुछ है, या आप लोगों की कुछ मेमोरीज है वाटर बॉडी के आसपास, आप लोग कहीं घूमने गए थे वॉट एवर, बट इमोशंस इनके बहुत हिडन है इस टाइम पे, इतना मैं आपको फिर से कह सकती हूँ, बहुत हिडन इमोशंस है, ये अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से छुपा लेते हैं। और एक चीज़ है कि इनके लाइफ में ऑलरेडी कुछ चीज़ों से ये डील कर रहे हैं, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये मैरिड है, फॉर सम ऑफ यू हो सकता है फिनेंशियल इश्यूज है या फैमिली इश्यूज है, ट्रॉमा है, ये है वो, तो इनके लाइफ में ऑलरेडी काफी कुछ चल रहा है, ठीक है, इनके लाइफ में ऑलरेडी काफी कुछ चल रहा है, एंड उसके ऊपर से उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे सब कुछ हैंडल करें, ऊपर से ये फीलिंग्स है उनको, फ्रस्ट्रेशन है उनको, तो काइंड ऑफ वो एक ब्रेक लेंगे, अभी ब्रेक लेके वो एक एक करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे, एंड जब उनको लगेगा कि वो एक बेटर सिचुएशन में है मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, व्हाटएवर, तब वो आके आपको अप्रोच करेंगे, तब वो आके अपना इमोशंस में भी आपके सामने रखेंगे, या एटलीस्ट कम्युनिकेट करना करेंगे या करने की कोशिश करेंगे। जो लोग कम्युनिकेशन में हो उन लोगों के लिए आपको लगेगा दैट ये बहुत बिजी है, या कम बात कर रहे हैं, या बहुत कोल्ड हार्टेड तरीके से बात कर रहे हैं, या आपके आधे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं आ रहा है, कॉल्स उठा नहीं रहे, कम बात करें, तो वहां पे भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कुछ ही टाइम का सफर है, फिर धीरे धीरे ये चीज सही होगा, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि इनके लाइफ में खुद ही इतना प्रॉब्लम्स है, या ये ऑलरेडी इतने प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, कैसे करे, कौन सा प्रायोरिटी बनाए, तो फिलहाल कुछ देर के लिए ये आपको प्रायोरिटी नहीं बनाने वाले हैं। ओके, टेल मी समथिंग अबाउट दिस कनेक्शन स्पिरिट, व्हाट टाइप ऑफ कनेक्शन इज दिस, शो द वर्ल्ड द रियल यू, देखिए, ओके, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, वाओ, होल्ड योर विजन है, बॉटम डेक एनर्जी, कहीं ना कहीं पाइल वन, ये जो कनेक्शन है आपके आपके लाइफ में, देखिए स्पिरिट मुझे क्लियरली बता नहीं रहे हैं दैट ये सोलमेट है कि ट्विन फ्लेम है कि कार्मिक है, मुझे क्लियरली स्पिरिट बता नहीं रहे हैं, क्योंकि आई थिंक स्पिरिट नहीं चाहते कि ये आपको भी पता चले इस वक्त, बट मुझे इतना समझ आ रहा है कि ये कनेक्शन जो है ये आप दोनों के लाइफ में आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए है, या ऐसे देखो इसको कि आप इस वक्त जो भी गो थ्रू कर रहे हो लाइफ में इस कनेक्शन के वजह से, जो भी दर्द है, जो भी पेन है, जो भी पीड़ा है, जो भी गुस्सा, एंगर, जो भी है, जैसा भी आप महसूस कर रहे हो, कोशिश करो कि आप वहां से क्या सीख रहे हो, या वहां से उस इमोशन को अपनी लाइफ में आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि हर चीज का दो पहलू है, कुछ लोग इमोशनल होके गलत काम में लग जाते हो, आप मे बी कुछ नशे करने लगते हो, आप कुछ गलत काम करने लगते हो, आप बस बह जाते हो, अपने जिंदगी को बहा देते हो उसमें, कुछ लोग ऐसा है कि उसको आप उस पेन को या उस फीलिंग, उस एनर्जी को लेकर कुछ अच्छा कर जाते हो, मोटिवेटेड होने लगते हो, अपने ऊपर फोकस करने लगते हो, अपने आप को बदलने लगते हो, कैसे भी, जो भी है, अपना स्टडीज हो या अपना लाइक हेल्थ हो, व्हाटएवर इट इज, तो स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट आप ऐसे देखो कि ये आपके बारे में है, अब ये पर्सन के बारे में भी एक लाइक है नहीं बात, क्वेश्चन आपको अपने बारे में अब सोचना चाहिए, करना चाहिए, पर्सन के बारे में नहीं, क्योंकि इस पर्सन को इस टाइम पे आपकी लाइफ से हटा दिया गया है फॉर अ रीजन, ठीक है, क्योंकि आपको अभी कहीं और फोकस करना है, और इस पर्सन को भी अभी कहीं और फोकस करना है, क्योंकि आप दोनों ही ग्रो कर रहे हो, आप दोनों ही कुछ सीख रहे हो, आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते हो कुछ सीखने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, चेंज के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो जब तक वो चेंज, वो ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग नहीं लेकर आओगे, तब तक ये कनेक्शन ऐसे ही चलता रहेगा, स्टक रहेगा, प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, ऑन एंड ऑफ होता रहेगा, नो कॉन्टेक्ट में रह जाएगा, कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, सो यू हैव टू लर्न कि जो भी लेसन है आपको वो सीखना होगा। एंड ये भी स्पिरिट कहना चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो,
आप ये सोच रहे हो कि ये कैसा कनेक्शन है, पता नहीं कार्मा है कि नहीं है, ये होगा कि नहीं होगा, वो होगा कि नहीं, बहुत ज्यादा एनर्जी आप यहाँ पर दे रहे हो, जो एनर्जी एक्चुअली आपको अपने ऊपर देना चाहिए, जो एनर्जी आपको बाकी एरिया में देना चाहिए जहां पर लैक हो गया है आपके लाइफ में। तो फिलहाल मैं कहूंगी जो भी रेजोनेट कर रहे हो पाइल वन, आपको थोड़ा सा अभी इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, आपको थोड़ा सा भी अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि आप खुद अपने लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हो, आप खुद अपने लाइफ कैसे बदल सकते हो, ना कि आप बस बैठ के इनका वेट करो और बस ये सोचो कि कब क्या कैसे होगा, चेंज होगा कि नहीं होगा, ये वो समय नहीं है। दिस इज नॉट द टाइम टू लुक आउट फॉर दिस पर्सन, बट दिस इज द टाइम टू लुक विद इन। ठीक है, नाउ लेट मी सी आपका करियर वगैरह कैसा है इस फुल मून में, what is happening in your career, finances, other aspects of your life, let us see here. Okay, woman holding a heart, lekin ye reversed mein hai. Journey hai aapka bottom neck energy. ओके देखते हैं, बहुत सारे कार्ड्स है, एंजल ऑफ लव है, वी हैव एंजल ऑफ बैलेंस, हीलिंग ऑफ द एजेस एंड द फर्स्ट चक्र आर्क एंजल माइकल इन रिवर्स। पाइल वन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके आपके करियर में कुछ टॉक्सिसिटी है जिससे लेकर आप चल रहे हो, समथिंग जो आपको नहीं करना चाहिए, समथिंग जो आपको चेंज करना चाहिए बट आप उसे चेंज नहीं कर रहे हो, आप उसे उस पैटर्न को ब्रेक नहीं कर रहे हो, आप कुछ तो है जो आप गलत कर रहे हो, मे बी आपका तरीका गलत है या आपको आप किसी चीज को फोर्स कर रहे हो या फिर आप बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो रहे हो, एनालिटिकल हो रहे हो। बट कुछ तो है जहां पे आपकी एनर्जी बहुत गलत तरीके से मैनिफेस्ट हो रही है इस करियर सिचुएशन में या फाइनेंशियल सिचुएशन में। यू नो, आपके इंटेंशंस प्योर हो सकते हैं बट आपका तरीका या आपका एक्शन जो है, या आप जितना टाइम दे रहे हो, आप जितना आइडिया ले रहे हो, या आप जिन लोगों के साथ अपने करियर में जिन लोगों के साथ डील कर रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है। लेट मी क्लैरिफाई दैट, जिसके लिए आपका सक्सेस भी थोड़ा सा रुका हुआ है या थोड़ा स्टैग्नेशन है, या आपको लग रहा है कि दूसरे लोगों के लिए बहुत आसान है सक्सेस पाना बट आपके लिए मुश्किल क्यों है, तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, कुछ अनहील्ड एनर्जी है। मैच्योर मैन, I don't know, but guys, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके करियर में फिलहाल कोई ऐसा पर्सन है जो एक मैस्कुलिन पर्सन है, मेल पर्सन है, जो आपसे बहुत लाइक ये पर्सन ऑलमोस्ट एक एनर्जी वैम्पायर टाइप के पर्सन है, या आपके आपसे बहुत कुछ छीन लेते हैं, आपका मेंटल पीस छीन लेते हैं, आपके आपसे मे बी पैसा मांगते हैं, आपसे मे बी आप काम करते हो क्रेडिट ये लेके जाते हैं, या आपके वर्क एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा टॉक्सिक बना दिया है इस पर्सन ने। कुछ तो है जो इस ये पर्सन करते हैं जो आपके ग्रोथ को रोक रहा है, जो आपके प्रोडक्टिविटी को रोक रहा है, आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। सो व्हाट स्पिरिट इज टेलिंग कि इस पर्सन को अवॉइड कीजिए, इस पर्सन को हो सके तो कुछ टाइम के लिए अपने लाइफ से कट ऑफ कीजिए, या अगर कट ऑफ नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट अवॉइड कीजिए। ये पर्सन आपको कभी भी सही रास्ता नहीं दिखाने वाले हैं, ये पर्सन आपको कभी भी जितना भी आपको भरोसा दिलाए, जितना भी आपसे मीठी मीठी बात करे या ये आपको प्रोमिसेस करे, लेकिन असलियत ये है कि ये पर्सन बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश और टॉक्सिक है। आप इन्हें बिलीव मत करो, आप इनको ट्रस्ट मत करो, ये बस आपसे काम निकलवाना चाहते, ये बस चाहते आप काम करें और काइंड ऑफ सारा मजा वो लूट जाए, ऐसा है, इनका मेंटालिटी ही खराब है। तो डोंट फॉल फॉर सच पर्सन। ओके, नाउ आई ऑल्सो कैन सी पाइल नंबर
ओके आई थिंक ये थोड़ा सा बेटर है पोजिशन. यस हाँ, तो आई कैन ऑल्सो सी पाइल नंबर वन कि स्पिरिट ये कहना चाहते हैं कि आपके आपके करियर लाइफ मतलब करियर में आगे जाके बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे, जो फाइनेंशियल गेन हो सकता है, जो एक जॉब ऑफर हो सकता है, अपॉर्चुनिटी हो सकता है, कोई एग्जाम पास करने का गुड न्यूज हो सकता है. सो देर इज समथिंग गुड कमिंग, ठीक है. एंड कुछ लोगों को अगर आपको जॉब चेंज करना है या आपको मन है तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए, इट्स अ कन्फर्मेशन, ठीक है. अगर आपको लगता है कि आपको चेंज चाहिए करियर में, किसी भी टाइप का चेंज चाहिए, तो वो चेंज आपको एब्सोल्यूटली लाना चाहिए. लाइक इट्स हाई टाइम कि आप वो चेंज को लेके आए. ओके और एक चीज है कि आप हर चीज को इतना फिक्सेटेड मत करो. डोंट फील लाइक कि मुझे इसी टाइम में ये चीज करना ही होगा या इसी टाइम के अंदर ये एग्जाम पास करना ही होगा वरना मेरा जिंदगी खराब होगा, ये होगा. आप इतना ज्यादा सोचते हो पाइल वन, आप इतना ज्यादा लाइक फोर्स करने लगते हो चीजों को कि आखिर में जाके आप थक जाते हो, आखिर में जाके आप अपना प्रोडक्टिविटी खो देते हो, आप डिस्टर्ब्ड हो जाते हो. सो यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि आपको इतना सोचना नहीं है, आपको बस एक एक कदम करके आगे बढ़ना है. वन स्टेप एट अ टाइम गाइज. आज कल का सोचो, कल वो काम करके दिखाओ, फिर परसों का सोचो, फिर परसों अपना टारगेट मीट करो, फिर उसके बाद का सोचो. एक साथ इतना मत सोचो. कहीं ना कहीं आप लोग बहुत प्रोडक्टिव हो यार, आप लोग बहुत प्रोडक्टिव हो, लेकिन प्रॉब्लम है कि आप अपने प्रोडक्टिविटी को खुद ही बहुत ज्यादा हैम्पर कर देते हो. सोच सोच के, ओवरथिंक करके, गलत जगह अपना दिमाग लगा के आप बहुत ज्यादा हैम्पर कर देते हो उस प्रोडक्टिविटी को. आप लोग चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हो, लाइक कम टाइम में बहुत सक्सेस पा सकते हो, आप डिजर्व भी करते हो, लेकिन आपका तरीका में ही प्रॉब्लम है कुछ तो. सी अ मैन होल्डिंग अ कॉइन, वेरी नाइस. कॉर्नोकूपिया गाइस, 11. द गार्डन एंड द गेट और बॉटम डेक एनर्जी है ऑल टाइड अप. ये बहुत क्लियर मैसेज है पाइल वन की आप जिन चीजों को बैरियर समझ रहे हो, आप जिन चीजों को ब्लॉकेज समझ रहे हो अपने करियर या अपने फाइनेंसेस में, वो एक्चुअली ब्लॉकेजेस नहीं है, या अगर है भी तो इतने बड़े ब्लॉकेजेस नहीं है जितना आप सोच रहे हो. आप किसी चीज को ब्लॉकेज सोच रहे हो और फिर आप उसमें कुछ कोशिश भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप अपने आप को यही बोल रहे हो, नहीं ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, ये तो हो नहीं सकता, ये तो मुझे आता नहीं है, ये तो मुझे पता नहीं है कैसे होगा क्या होगा. आप कोशिश नहीं करो. प्रॉब्लम है कि एफर्ट की बहुत ज्यादा कमी है, एक्शन की बहुत ज्यादा कमी है. आप सोच रहे हो बहुत कुछ, आपका दिमाग मतलब हाई स्पीड में चल रहा है, लेकिन एक्शन नहीं हो पा रहा है, प्रोडक्टिविटी गायब है. फिजिकल वर्ल्ड में आप कुछ कर नहीं रहे हो, दिमाग में तो बहुत ख्याली लाइक पुलाव पक रहे हैं. एडवाइस ले रहे हो आप लोगों से, आप मे बी रीडिंग्स देख रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, अपना रिसर्च कर रहे हो बैठ के, बट एक्शन एक्शन नहीं है. बट द गुड न्यूज इज, हाँ बेटर होगा चीजें. कॉर्नोकूपिया है, मैन होल्डिंग अ कॉइन है, जो बहुत ही ब्यूटिफुल कार्ड्स है. तो फिनेंशियल गेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, सक्सेस, बिजनेस में तरक्की, जॉब में प्रमोशन, नया जॉब, एग्जाम का अच्छा जाना, ये सब आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट करो, डेफिनेटली करो, क्योंकि ये होने ही वाला है. लेकिन ऑफकोर्स उसके लिए जो एक्शन है वो आपको ही लेना होगा, कोशिश तो आपको करना होगा. आप एक कदम बढ़ाओगे तो दुनिया या यूनिवर्स आपके लिए 10 कदम आगे आके खड़े हो जाएंगे. तो पहला कदम आपको ही लेना होगा. बट जो भी चीज आप ओवरथिंक कर रहे हो या ब्लॉकेज समझ रहे हो वो मत करो, क्योंकि वो उतना बड़ा ब्लॉकेज नहीं है जितना आप समझ रहे हो, ठीक है. और आपको एक प्लान की जरूरत है, आपको स्ट्रैटेजी की जरूरत है, आपको ओवरथिंकिंग की जरूरत नहीं है. ओके, वाओ, दैट वाज नाइस. लेट्स सी, थोड़ा सा देखते हैं कि इन जनरल अगर कुछ लास्ट, क्योंकि ये बहुत लंबा जा रहा है रीडिंग, मुझे नहीं पता था कि लाइक स्पिरिट या यूनिवर्स को इतना इतना सारा मैसेजेस देना होगा आप लोगों तक. हो सकता है कि था, इसीलिए मुझे इतना ओवरवेलमिंग फील हो रहा था इस रीडिंग को करने से पहले, एंड अभी मुझे थोड़ा सा हल्का महसूस हो रहा है. तो वाओ गाइस, या लाइक मुझे अब थोड़ा सा बेटर महसूस हो रहा है, मतलब पता नहीं क्यों, एक बोझ जैसा था मेरे हार्ट चक्र में, मुझे बहुत प्रेशर फील हो रहा था, थ्रोट चक्र में भी हो रहा था, एंड नाउ आई एम फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड, लाइक
थोड़ा सा मुझे रिलैक्स्ड फील हो रहा है. सो आई थिंक जो भी इमोशन है आपके अंदर, कोशिश कीजिए कि आप उसे रिलीज करें, आप उसे उसके बारे में बात करें, उसे एक्सेप्टेंस दें, आप उसे जो भी करना है जैसे करना है. आपको जर्नलिंग करना है आप जर्नलिंग करें, आपको किसी दोस्त से बात करना है आप दोस्त को शेयर करें, आपको किसी स्पिरिचुअल कोच, रीडर, टैरो रीडर, व्हाटएवर, आपको उनका हेल्प लेना है आप वो लीजिए, व्हाटएवर, जो भी आपको सही लगता है. बट अपने आप को हल्का कीजिए, अपने अपने इमोशंस को बाहर लेके आइए. जो भी इमोशन आप फील कर रहे हो वो वैलिड है, उसमें उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, उसे इज्जत दीजिए और उसको बाहर लाइए. टेक इट आउट, वेंट, यू नो इट्स ऑल अबाउट द रिलीज. न्यू मून, सॉरी फुल मून, मैं न्यू मून क्यों कह रही हूँ, बट ओके. इन जनरल क्या क्या एडवाइसेस है आपके लिए पाइल वन, लेट्स सी. टू ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, ओके इंटरेस्टिंग. और क्या है पाइल वन के लिए स्पिरिट, बॉटम डेक है ये, उसके नीचे है ये. वाओ, वाओ, आई एम सो हैप्पी. पाइल नंबर वन, आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइस. लिसन, लिसन पाइल वन, मुझे लगता है ये जो मैसेज मैं अभी देने वाली हूँ ये आपके लव लाइफ में ही आपको रिलेट करेगा. बट अगर आपको कहीं और कैसे भी और रिलेट कर रहा है तो आप उसको वैसे ले सकते हैं. बट व्हाट आई एम अबाउट टू से इज समथिंग दैट यू नीड टू नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड. ओके आई एम बैक. समथिंग वियर्ड जस्ट हैपेंड, लाइक मैं यहाँ पे बैठी थी एंड सडनली लाइक द टीवी टर्न्ड ऑन. I don't know guys, like, I don't know. Anyways, let's continue doing this. Okay, back to what we were talking about. हाँ तो I got distracted. Okay, I think guys, like, कुछ लोगों के यहाँ पे आई कैन फील अ शिफ्ट इन द एनर्जी. कुछ लोगों के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स है यहाँ पे. देर इज सम स्पिरिट गाइड्स, देर इज समबडी स्पिरिट गाइड यहाँ पे. एंड ये पर्सन जो है, ये जो स्पिरिट गाइड है आपके या जो एंसेस्टर है आपके, ये बहुत फन टाइप ऑफ अ पर्सन है. इन्हें मजाक करना अच्छा लगता है. एंड आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ श्री कृष्णा. I don't know, like suddenly मैं usually I don't know readings like जो ऐसे कोई specific god से relate करके मैं करती नहीं हूँ. but I'm getting this energy and it doesn't matter, like आप किसी भी religion से हो सकते हो, the reading will still be valid. या तो कुछ लोग यहाँ पे कृष्णा में बहुत मानते हो, उनको आप बहुत बहुत अपना मानते हो, या आपके guides यहाँ पे जो है they care for you. Another thing is कि ये बहुत fun energy है, ये आपके साथ खेलना चाहते हैं, या आपको हंसाना चाहते हैं, या आपको ये चाहते हैं आप मजे करें, आप fun करें, आप relax करें life में, आप इतना stress ना ले, आप इतना ना सोचे. You need to have fun guys, you need to have fun. हंसो, खेलो, बात करो, जो करना है करो, have fun. Because ये लोग आपको ना distract कर रहे हैं किसी चीज से, किसी स्पेसिफिक पर्सन से, किसी हार्ट ब्रेक से, किसी चीज से. आई डोंट नो, लाइक हर किसी के लिए डिफरेंट होगा, बट कोई ऐसा चीज जहां पर आप बहुत ज्यादा फिक्सेटेड हो गए हो, आप बहुत ज्यादा उस चीज में अपने आप को, मतलब आप अपने आप को समर्पित कर दिए हो कि मैं बस अब इसी चीज के नाम हूं, मतलब मेरा और कोई एग्जिस्टेंस का कुछ मैटर ही नहीं है, मुझे अब फर्क ही नहीं पड़ता किसी और चीज से, मैं बस यही हूं. तो अगर आप वो कर रहे हो ना, को डिपेंडेंसी अगर आप में है, टॉक्सिक को डिपेंडेंसी टाइप का कुछ भी आप अगर
कर रहे हो, तो यूनिवर्स या आपकी ये जो स्पिरिट गाइड जो है, ये आपको वहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज देखिए, कहीं भी किसी भी कनेक्शन में कुछ भी ज्यादा होना जरूरी नहीं है या ज्यादा होना अच्छा नहीं है। मीठा मीठा खाना सबको अच्छा लगता है, बट अगर आप ज्यादा मीठा खा लोगे आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएगी, यू नो, ऐसे। तो स्पिरिट गाइड्स आपको यही कह रहे हैं कि आपको जो बोलना है, आपको जो प्रे करना है, आपको जो मैनिफेस्ट करना है, वो उनको समझ में आ गया है, वो उन्हें पता है, पर वो तभी वो चेंजेस आपके लाइफ में करेंगे या आपके लिए वो वही चीजें करेंगे जो आपके लिए एक तो आपके साथ अलाइनमेंट में है, या कैसे कहो, जो आपके लिए बेस्ट है, एंड आपके प्रेयर्स को भी वो सुनेंगे, लेकिन सही टाइम में। बिकॉज इस टाइम में आप जो चीजों को करने की कोशिश कर रहे हो जिंदगी में, या जिन चीजों को आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उसके लिए अब ये टाइम नहीं है, ये टाइम उस चीज के लिए नहीं है। यहाँ पे आपको कहीं और कुछ और करना होगा, एंड यही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग बार बार आके। और ये लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं आपको खुश रखने की। आपके लाइफ में ऐसी ऐसी चीजें, छोटे मोटे यहाँ वहाँ कुछ हैप्पी मोमेंट्स, कुछ फन मोमेंट्स, कुछ गिफ्ट सरप्राइजेस डालने की, ताकि आप खुश रहो, आप डिस्ट्रैक्टेड रहो, आप थोड़ा सा, यू नो, आप थोड़ा सा लाइट फील करो। आप बहुत ज्यादा बर्डन हो यहाँ पे पाइलवान, आई डोंट नो व्हाई, क्या हो रहा है ऐसा, बहुत ज्यादा एक बर्डन है, एक इमोशनल, आप किसी चीज को लेके ना कंफ्यूज्ड हो कि मैं दाहिने जाऊं या मैं बाएं जाऊं, मैं करूं या मैं ना करूं, मैं वेट करूं, मैं मूव ऑन करूं, मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करूं या ना करूं, एक कंफ्यूजन जो आपके दिमाग में चले ही जा रहा है, लाइक ये रिपीटेशन में जा रहा है आपके दिमाग में। एक बार आप ये सोच रहे हो, दूसरे मोमेंट पे आप वो सोच रहे हो, फिर आप ये सोच रहे हो, फिर आप वो सोच रहे हो। एंड कुछ लोगों के लिए, कुछ नहीं, मैं कहूंगी ज्यादातर लोगों के लिए, दिस इज अबाउट अ पर्सन। एंड स्पिरिट इज सेइंग कि आप कितना भी कोशिश कर लो, इस टाइम पे इस पर्सन का जो खुलासा या इस कनेक्शन का जो खुलासा, द अल्टीमेटम, फाइनली क्या होगा, एक दिन शादी होगी कि नहीं, क्या होगा, वो आपको अभी पता नहीं चलेगा, आप कितना भी कोशिश कर लो। दे आर टेलिंग दिस टू यू। आप हजारों चैनल्स में जाके आप हजारों लोगों की रीडिंग देख लो, आप कहीं भी कुछ भी कर लो, आपको वो लोग नहीं डिस्क्लोज करेंगे। बिकॉज इसलिए नहीं क्योंकि वो आपको पेन में देखना चाहते हैं, पनिश करना चाहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं जो आप समझाना चाह रहे हो, वो समझते हैं, और इस टाइम पे जो करना जरूरी है वो वही कर रहे हैं। ट्रस्ट देम पाइल वन, भरोसा करो, भरोसा करो, थिंग्स विल हैपन, चीजें मूव होंगी, शिफ्ट्स आएंगे, चेंजेस आएंगे, यू हैव टू हैव फेथ। जस्टिस होगा सिचुएशन में, ये अंधेरा बीतेगा, सवेरा आएगा, सब कुछ होगा, वो गुड न्यूज मिलेगा, वो मैनिफेस्टेशन पूरा होगा, आप लोग आगे बढ़ोगे, सब होगा। बट फिलहाल थोड़ा सा भरोसा रखिए अपने आप पर भी, और यूनिवर्स पर भी, और आपके इन स्पिरिट गाइड्स के ऊपर भी। अब बहुत ज्यादा वन साइडेड हो गए हो पाइल वन, बहुत ज्यादा वन साइडेड, बहुत ज्यादा फिक्सेटेड कि ओ माय गॉड, ये क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा है, कैसे होगा, कब। यू नीड टू गेट आउट ऑफ दैट। इस एनर्जी में आप जितना टाइम रहोगे उतना ही पेनफुल होता जाएगा, उतना ही चीजें खराब होता जाएगा। डोंट डू दिस। अगर कोई चीज आपके कंट्रोल में नहीं है तो उसे कंट्रोल मत करो। जरूरी नहीं है कि सब कुछ आपको ही कंट्रोल करना होगा। आप भगवान नहीं हो, आप सबका ठेका लेके नहीं रखे हो। इट्स ओके, आप कोशिश कर रहे हो, आप प्रे कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो जाने दो, दूसरे भी काम है, दूसरे भी चीजें हैं जिंदगी में, वो करो, एंड लेट सी व्हाट द यूनिवर्स डज। क्योंकि वो यूनिवर्स तो आपको मना नहीं कर रहे, यूनिवर्स आपको कभी भी ये नहीं कह रहे कि वो आपको नहीं देंगे, वो आपको डिस्क्लोज नहीं कर रहे कि वो आपको क्या देंगे, कितना देंगे, कब देंगे, डिस्क्लोज नहीं कर रहे। तो
तो आप भरोसा रखिए, मे बी उसके पीछे भी कोई कारण होगा, ऑफकोर्स होगा. सो या रिलैक्स गाइज, रिलैक्स, हैव फन, थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को, सेल्फ लव करो, मस्ती करो, हल्के में लो थोड़ा सा जिंदगी को, एंजॉय करके चलो. ये एक जर्नी है, ये कोई हमेशा आपको टेस्ट नहीं देना है. यू कैन हैव फन, यू कैन रिलैक्स, यू कैन सिट फॉर अ वाइल. सो या दैट इज़ द रीडिंग फाइल वन. ये बहुत लंबा हो गया है, आई डोंट नो, आप कुछ लोग आके ये बोलेंगे कि इतना लंबा रीडिंग क्यों है, ये है, बट आई कांट हेल्प इट. यूनिवर्स या स्पिरिट गाइड्स को ये मैसेजेस आप तक पहुंचाने थे, एंड वो कैसे भी किसी भी हद पे वो आपको मैसेज दे दिए हैं. सो आई विश कि आपको ये रेजोनेट किया होगा, एंड अगर किया होगा तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा कमेंट्स में. एंड अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, बुरा लगा हो तो भी बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड मे बी हम लोग फिर मिलेंगे एक और रीडिंग में, राइट? तो अभी आते हैं पाइल टू के साथ. लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी पाइल नंबर टू. ये है पाइल नंबर टू, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस. वाओ, हाँ, तो पाइल टू के लिए भी हम लोग शुरू करेंगे आपके लव लाइफ से. व्हाट इज हैपनिंग, आपके लव को हम लोग पहले चेक करेंगे, लव, इमोशंस, रिलेशंस, क्या मैसेजेस है फॉर पाइल नंबर टू. गाइस, मैं गाइस क्यों बोल रही हूँ, स्पिरिट, एंजल या यूनिवर्स. ओके, ये है कीप एन ओपन माइंड. पाइल टू आपके लिए मुझे ना बहुत ज़्यादा एक एनर्जेटिक एनर्जी फील हो रहा है. लाइक आई डोंट नो, आई एम हियरिंग कॉफ़ी, कैफीन. कुछ लोग कॉफ़ी से एडिक्टेड हो, कुछ लोग अभी अभी कॉफ़ी पी रहे हो. जब आप ये वीडियो देखोगे या देखने से पहले, समबडी इज फीलिंग वेरी एनर्जेटिक. कोई जिम जा रहे हो या जिम से वापस आ रहे हो, आई डोंट नो, बट एक अलग एनर्जी है आप लोगों में, विच इज़ गुड थिंग. वाओ, ओके. तो हमारे पास आ गया है सेपरेशन, फिर वी हैव पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, वी हैव वेरी सून, एंड वी हैव पैशन. गुड, रोमांटिक फीलिंग्स. फाइल नंबर टू, मुझे यहां पे ना एक रिकंसिलिएशन की एनर्जी आ रही है कि अच्छा लिसन, ये कुछ लोगों को बहुत ज्यादा रेजोनेट करेगा. पाइल टू, सिंस न्यू मून, एक रिलीज करने का बहुत अच्छा टाइम है. वी रिलीज थिंग्स, लेट गो करते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा. तो आपको यहाँ पे किसी पर्सन को रिलीज या किसी रिलेशनशिप को रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है, लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है, ताकि वो रिलेशनशिप फिर से एक बेटर वर्जन के साथ आपके पास लौट सके. आप इसे ऐसा देखो कि आप जब एक पिज्जा बनाते हो घर पे, तो आप पहले ब्रेड डालते हो, उसके ऊपर आप वेजिटेबल्स जो भी डालना है, सॉसेस वगैरह डालते हो, फिर आप उसे खा नहीं जाते हो, आप उसे ओवन में पकने देते हो, ठीक है, बनाने के बाद आप उसे ओवन में रख देते हो, फिर जब वो पक जाता है तब आप उसे खाते हो. तो अभी आपका जो रिलेशनशिप है ना, वो बस ओवन में आपने डाला नहीं है, वो अभी आपने बस बनाया है, आपने बस वो ब्रेड लिया है, उसके ऊपर वेजिटेबल्स डाला है, उसके ऊपर सॉसेस डाले हैं, बस वहीं तक किया है आपने, पर आप उसे खाने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है अरे मैंने ये बनाया है, मुझे ये पसंद है, ये तो पिज्जा है तो मैं खा लेता हूँ. बट यूनिवर्स इज लाइक, रुको, इसे पकने दो, इसे इसे इसका टेस्ट तो आने दो, इसे बनने तो दो, ये जिस चीज के लिए बना है उसे उसे कंप्लीट तो करने दो प्रोसेस, ये कच्चा खाने के लिए थोड़ी बना है पिज्जा, यू नो. तो ये वैसा है कि ये जो कनेक्शन, या तो ये एक नया कनेक्शन है, या अगर पुराना कनेक्शन है तो भी ये एक ऐसा चीज है जो आप थोड़ा सा हड़बड़ी कर रहे हो, या आपको अभी इसका उत्तर चाहिए, अभी इसका आपको फाइनल रिजल्ट देखना है, अभी आपको सारा आंसर एक बार में चाहिए, सब कुछ आपको अभी जानना है, पूरा फ्यूचर आपको अभी प्रेडिक्ट करना है. बट यूनिवर्स इज लाइक कि ये कनेक्शन में पोटेंशियल है. अब ये कनेक्शन कहाँ जाएगा, किस तरह से आगे बढ़ेगा, ये तो समय बताएगा.
लेकिन अभी आपके लिए जो जानना जरूरी है वो है कि ये कनेक्शन अभी तैयार नहीं है, या आप दोनों अभी तैयार नहीं हो पूरी तरीके से कि आप लोग एक दूसरे को अपने लाइफ में पा सको इन अ कमिटेड वे, जिसके वजह से, जिसके चलते इतने सारे ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। जितना बार भी आप लोग पास आने की कोशिश करो, आपको दूर जाना पड़ रहा है, बीच बीच में लोग आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इशू तो है, प्रॉब्लम तो है। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर चीजें आपको लग रहा है कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो जाने दो, बहने दो फ्लो के साथ उस चीज को, जाने दो इंसान को। ये वापस तो आएंगे, लेकिन एक बेहतरीन वर्जन बन के आएंगे। तो इन्हें पहले जाने दो, इन्हें वो वर्जन बनने दो, चेंजेस को आने दो, आप खुद भी अपना बेस्ट वर्जन पहले बनो, उसके बाद सोचो। ये अभी बहुत कच्चा जगह है, ये बहुत कच्चा कनेक्शन है, ये बस इसका बेस अभी उतना मजबूत नहीं है कि आप इतने सारे सवाल इसे कर सको, आप इतना इसके पीछे इतना एनर्जी डाल सको। ये अभी उस मुकाम पे आया नहीं है, तो इसे पहले थोड़ा सा टाइम देना होगा। ओके, पैशन बहुत ज्यादा है आप लोगों की तरफ से, एक सेक्सुअल एनर्जी है बहुत ज्यादा, ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, एक बहुत 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 पैशनेट रिलेशनशिप है, केमिस्ट्री बहुत हाई लेवल पे है, एक दूसरे से आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो, आपको लगता है ये पर्सन इतने इतने अच्छे दिखते हैं, इस पर्सन को भी लगता है कि आप इतने अच्छे दिखते हो, देयर इज अ लॉट ऑफ केमिस्ट्री गाइस। अच्छा, आप देखते हैं कि इस पर्सन की तरफ से क्या एनर्जीज है, लाइक इनका फीलिंग्स, इमोशंस क्या कहता है, व्हाट इज इट, इनके तरफ से क्या एनर्जीज है स्पिरिट्स। ओह, वी हैव द स्टार एनर्जी, ये पर्सन एक्वेरियस हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। ओके, डिड वी हैव एनीथिंग, द फोर, ओह कॉन्ट्रास्टिंग कार्ड्स है, फोर ऑफ कप्स है, व्हाट इज दिस पर्सनस करंट फीलिंग्स फॉर पाइल नंबर टू। Three of Pentacles. Yeah, I think pile two. Listen, pile two. ये जो person है, ये सही time का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। आई डोंट नो इस वक्त आप लोग कैसे किस मोड़ पे खड़े हो, आप लोग हो सकता है सेपरेशन में हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे कॉन्टैक्ट में हो, कुछ लोग ऑन एंड ऑफ हो, डजेंट मैटर। क्योंकि जो मैसेज यहाँ पे बहुत ही क्लियर है वो ये है कि ये पर्सन कुछ चीजों से गुजर रहे हैं, ठीक है। कुछ ब्लॉकेजेस यहाँ पे डेफिनेटली है दोनों के बीच में, आपके साइड से भी हो सकता है। तो मैं ये कहूंगी कि ये पर्सन को भी पता है कि ये कनेक्शन स्पेशल है, इन्हें भी पता है कि इस कनेक्शन में कुछ तो बात है, या इनको इतना एटलीस्ट लगता है कि वो आपके बिना रह नहीं सकते ज्यादा दिन, तो उन्हें वापस आना ही होगा, उन्हें कांटेक्ट करना ही होगा, आज नहीं तो कल। एंड ये पर्सन जो चाहते हैं वो है रिकन्सिलिएशन, डेफिनेटली विद दैट डेथ एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स एनर्जी, ये रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। एंड बहुत होपफुल भी है कि फ्यूचर में जाके कुछ ना कुछ यहाँ पे बन सकता है, अभी भी टाइम है, अभी भी मौका है, अभी भी अगर हो तो हो सकता है, चाहे तो हो सकता है। एंड बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे ब्लॉकेज है, थर्ड पार्टी हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, मे बी कास्ट, रिलीजन, एज डिफरेंस, कुछ भी हो सकता है, बट फिर भी ये बहुत होपफुल है, क्योंकि इन्हें लगता है कि आपके जैसा इनको कभी कोई नहीं मिलेगा या मिलेगी, या ये आपसे इतना ज्यादा मोहित है, मैं कहूंगी मोहित है ये आपसे, कि ये आपके परे कुछ सोच भी नहीं सकते। मैं क्यों ऐसे वर्ड्स यूज कर रही हूं मुझे भी नहीं पता, बट जो भी चैनल हो रहा है, आई डोंट नो, लाइक ये शेरो शायरी करते कि क्या है, आई डोंट नो, बट ऑब्सेसिव एक एनर्जी मुझे आ रही है, एक बहुत इंटेंस पैशनेट फीलिंग। ये बहुत ज्यादा आपसे लाइक फिजिकली अट्रैक्टेड है, बहुत ज्यादा इनके सेक्सुअल डिजायर्स बहुत ज्यादा है आपको लेकर,
इनको लगता है आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप बहुत हैंडसम हो, या आपका जो यू नो फिजिकल बॉडी है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है उनके लिए, लाइक ऑलमोस्ट इतना कि वो अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे. अगर कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट हुआ है आप दोनों के बीच में तो उस चीज को वो बहुत ज्यादा याद करते हैं. आपकी परफ्यूम उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है, या अगर आपके लंबे बाल है वो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है. ये पर्सन स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, मैं बस कह रही हूँ. बट एक बहुत इंटेंस इंटेंस फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पे है, इमोशन से भी ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन मुझे लग रहा है. बात करना चाहते हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, उनको लगता है कि यहाँ बहुत बातें जम गया है जो वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, बट वो सही मौके का इंतजार कर रहे हैं. अगर ये थर्ड पार्टी के साथ है भी तो मुझे लगता है कि ये एक बार के लिए उस थर्ड पार्टी को चीट भी कर सकते हैं आप तक पहुंचने के लिए या आपसे बात करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे ना उसके उनके अंदर एक बहुत ज्यादा डेस्परेशन काम कर रहा है. आई डोंट नो क्यों, मे बी आपने मैनिफेस्ट किया है इनको, मे बी कुछ रिचुअल किया है, मे बी ये उनका कार्मा है, या आपने अपने ऊपर हार्ड वर्क किया है, आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, कुछ ना कुछ तो हुआ है बैकग्राउंड में, हुआ है या तो आपने किया है या तो यूनिवर्स ने किया है, बट कुछ ना कुछ हुआ है जिसके लिए ये पर्सन अब थोड़ा सा डेस्परेट हो रहे हैं आप तक पहुंचने के लिए. एंड बहुत जल्दी इनको इनका मैसेज आएगा आपके पास. अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो बाई चांस, डोंट वरी, कुछ ही दिनों का बात है ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, क्योंकि अपने दिमाग में ये बहुत अच्छे से ठान लिए है कि अब मुझे पायलटू को कॉन्टैक्ट करना है. ये इवन आपको कुछ फिजिकल ऑफर्स भी दे सकते हैं. बट एक चीज याद रखिए दैट ये पर्सन बहुत ज्यादा अपने दिमाग में कहना ठीक नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा ये पर्सन उड़ रहे हैं, मतलब ये इल्यूजन में उड़ रहे हैं. इनको लगता है कि पैशन पैशन इनका सर चढ़ के बोल रहा है, ये हर चीज उतना लॉजिकली नहीं सोच पा रहे. तो अगर ये आपके पास आएंगे तो आप, अगर ये बहुत बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, अगर आपको हर चीज प्लानफुली करना पसंद है, स्ट्रैटेजिकली करना पसंद है, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा, क्योंकि ये आके आपसे ऐसे बातें करेंगे जो सपनों की दुनिया की बातें, जो यू नो ये बस आपको घुमाने लेके जाना चाहते हैं, या आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये करना चाहते वो करना चाहते, लेकिन आपको लग सकता है कि रियलिटी में कुछ नहीं हो रहा है. लाइक आप 4 दिन घूम लोगे, आप कुछ भी लाइक इस पर्सन से बात कर लोगे, बट फिर क्या, कमिटमेंट कहाँ है, स्टेबिलिटी कहाँ है, फ्यूचर कहाँ है. तो ये पर्सन उतना प्लान्ड नहीं है जितना कि आप हो, इन्होंने उतना कुछ प्लान नहीं किया हुआ है, ये बस है, मतलब इन्हें जो लगता है बस करते हैं, इन्हें जो फील होता है ये बोल देते हैं या बोलेंगे आने वाले टाइम में. तो इनके एक्शंस के पीछे उतना लॉजिक नहीं रहेगा, लेकिन एक्शन ये बहुत ज्यादा भरपूर लेने वाले हैं, क्योंकि अट्रैक्शन सर चढ़ के बोल रहा है, और इमोशंस भी है. ये रिकंसिलिएशन चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ब्लॉकेज है. मुझे लगता है बहुत से लोगों के लिए थर्ड पार्टी ही है, बट अगर कुछ और भी ब्लॉकेज है तो हो सकता है जिसके लिए ये पर्सन थोड़ा सा अपने आप को इनको रोकना पड़ रहा है, इनके पास और कोई चारा नहीं है. बट बहुत जल्दी आपको कॉन्टेक्ट करेंगे फॉर श्योर. ओके, लेट अस सी और क्या हम लोग यहाँ पे जान सकते हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ सेक्सुअल एनर्जी गाइज, लाइक सेक्रल चक्र आप दोनों का बहुत ज्यादा कनेक्टेड है. आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, ये कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है फॉर सम ऑफ यू. ओके, लिटरली ये पर्सन आपके बारे में सपने देखते हैं, फैंटेसाइज करते हैं. क्या हो रहा है ये पाई टू, आई डोंट नो व्हाट एल्स शुड वी नो अबाउट दिस. एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, या मैंने क्या कहा कि कुछ ना कुछ चेंज आएगा, ये सही टाइम का इंतजार कर रहे हैं, ये रिकन्सिलिएशन या कम्युनिकेशन, अ टाइम फॉर हीलिंग. ये कार्ड आई थिंक पाइल वन का जो फर्स्ट ये वाला कार्ड यही था, तो आप लोग पाइल वन भी थोड़ा सा चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको पसंद आया है, बोल रही हूँ मतलब अगर आपको फील हुआ ऐसा. अ पर्सनल इश्यू रीचेज सोल्यूशन, इट्स टाइम टू टेक एक्शन. सी मैंने क्या कहा, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, एंड ये एक्शन आपके पर्सन लेंगे, आपको लेना नहीं होगा. इस पर्सन ने ठान लिया है कि ये अब एक्शन लेंगे, ये अब आप तक पहुंचेंगे, चाहे कैसे भी हो, कुछ भी करना पड़े, किसी को चीट करना पड़े, किसी को झूठ बोलना पड़े, आपके पास भाग कर आना पड़े, कुछ भी, क्योंकि इनका लॉजिक बंद हो गया है, इनका पैशन सर्च, कुछ ना कुछ तो किया है आप लोगों ने यार, मतलब ऐसा कैसे हो रहा है, कुछ ना कुछ आप लोगों ने किया.
इस पर्सन के ऊपर किया होगा, मुझे नहीं पता, बट ये ऑलमोस्ट ये पगला गए हैं. लेट अस सी मोर, क्या जान सकते हैं, देखते हैं कि फ्यूचर कैसा है इस कनेक्शन का, या इनका इंटेंशन क्या है फ्यूचर के बारे में, क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है. हाई प्रीस्टेस एंड द किंग ऑफ सोर्ड्स, बड़ी अजीब बात है. व्हाट इज द फ्यूचर एंड इंटेंशन ऑफ दिस पर्सन फॉर पाइलट्स. आज ना पावरफुल रीडिंग है, पता मतलब ये रीडिंग बहुत पावरफुल है. आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि एक तो मेरा पाइल वन को जब मैं शूट कर रही थी तो मेरा टीवी चलने लगा सडनली फॉर नो रीजन. एंड फिर मैं जब ये कर रही हूँ तो मेरा नोज में बहुत ज्यादा इचिंग हो रहा है, बिकॉज इट्स अ साइन. मैं ऐसा मानती हूँ एज अ लाइक सिंस आई हैव बीन डूइंग रीडिंग फॉर इयर्स, कि समबडीज गाइड्स या मेरे गाइड्स जब मेरे बहुत पास होते हैं एंड व्हेन आई चैनल देम, मुझे बहुत यह नोज इचिंग होता है, लाइक एंड इट्स कंटिन्यूअसली इचिंग, लाइक कंटिन्यूअसली मैं जैसे ही शफल कर रही हूँ इट्स इचिंग. वॉट इज हैपनिंग विद पाइल टू, मुझे नहीं पता यार. फ्यूचर कैसा है पाइल टू, आई डोंट नो आप कैसे क्या किस इंसान के साथ डील कर रहे हो, बट इज दिस इज दिस लाइक अ पैटर्न जो मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा फील हो रहा है गाइज. लाइक लिसन, बहुत से लोगों के लिए पाइल टू आप लोग एक कार्मिक सिचुएशन में हो, ठीक है, एंड ये कार्मिक पर्सन है, बट इतना मैं कहूंगी दैट फ्यूचर की अगर बात किया जाए, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो एक्शन तो डेफिनेटली होगा जैसा मैंने कहा, बट एक टाइम के बाद, मतलब एक्शन लेंगे, कुछ शुरू होगा, एक बहुत पॉजिटिव जगह पर आप लोग पहुंचोगे, बहुत फन होंगे, मेमोरीज होंगे, लेकिन सडनली मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक है आप में से, जो मुझे लगता है आपके पर्सन ही है, जो सडनली फिर पुल बैक करेंगे, विदड्रॉ कर लेंगे, फिर से गायब हो जाना, फिर से बिजी रहना, फिर से इमोशंस को छुपा लेना, ऐसा दिखाना कि ये बहुत प्रैक्टिकल है, या अपना अपना शिफ्ट लाइक अपना अपना फोकस शिफ्ट कर लेना आपके ऊपर, इस कनेक्शन के ऊपर से कहीं और, ये मुझे दिख रहा है, जो थोड़ा सा आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है. आपको लग सकता है कि इतना इन एंड आउट क्यों है, ऑफ एंड ऑन क्यों है, अभी तो सब कुछ सही चल रहा था, सडनली क्या हो गया, सडनली ये पर्सन ऐसा क्यों बिहेव करे, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके मन में उठ सकता है. एंड इसका एक रीजन ये है कि ये कार्मिक कनेक्शन है, तो ये एक पैटर्न में चलता है, एंड आप लोग फिर से एक पैटर्न को फील लाइक फॉलो करोगे. अगर पास्ट में भी शायद ऐसा ही है आप लोगों का पैटर्न पाइल टू, तो वो पैटर्न फिर से रिपीट हो सकता है. यू हैव टू बी केयरफुल. प्रॉब्लम इज आप दोनों में ना बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, फिजिकल कनेक्शन, केमिस्ट्री, एक ऑलमोस्ट एक ऑब्सेशन है. आप लोग एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते हो ज्यादा टाइम. आप लोगों का सेक्रल चक्र बहुत ज्यादा कनेक्टेड है एक दूसरे से, हार्ट चक्र से भी ज्यादा. एक दूसरे को आप लोग फील कर पाते हो लाइक, बट आई सी ये एक बहुत ऑफ एंड ऑन है. लाइक मुझे परमानेंट एंडिंग नहीं दिख रहा है, लाइक मुझे ये नहीं दिख रहा है कि ये सब कुछ लाइक खत्म हो रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी ऑफ एंड ऑन. ये पर्सन फिर से गायब होने वाले हैं, ये आएंगे, सब कुछ सही करेंगे, सब एकदम सातवीं आसमान पे होगा, एंड फिर धराम से ये सब कुछ नीचे गिराएंगे और फिर गायब हो जाएंगे. सोच समझ के आगे बढ़िए इस पर्सन के साथ, क्योंकि ये जो भी करते उतना सोच समझ के करते नहीं है. ये बहुत ज्यादा विम्जिकल इंसान है, ये बहुत ज्यादा अपने इच्छाओं के ऊपर निर्भर करते हैं. जब जो मन किया तब वही किया, करते पहले सोचते बाद में है, ऐसे वाले पर्सन है. तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यहाँ पे इन्वेस्ट करने से पहले, या अगर आप भी थोड़ा सा फन टाइम चाहते हो, थोड़ा मस्ती करना चाहते हो, मिस करते हो पर्सन को, तो ठीक है, फाइन. बट अगर आप लोग कुछ कंसिस्टेंट और लॉन्ग टर्म स्टेबल एकदम सोच रहे हो मैरिज वगैरह, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा इस पर्सन से, दैट आप लोग सेम एनर्जी में हो भी या नहीं. देखते हैं क्या कुछ और है जो हम लोगों को जानना चाहिए. कमिंग टुगेदर,
देखिए कुछ तो ब्लॉकेज है, जब तक ये ब्लॉकेज यहाँ से हटेगा नहीं तब तक इसको फुलफिलमेंट नहीं मिलेगा, परमानेंट बसेरा यहाँ पे नहीं बसेगा जब तक ये ब्लॉकेज नहीं हटेगा। हो सकता है ये थर्ड पार्टी है, हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस है, हो सकता है ये कुछ भी है, मतलब ब्लॉकेज तो है गाइस, ब्लॉकेज तो है। एंड ये बहुत क्लियर मैसेज है कि ये ब्लॉकेज जब तक नहीं हटेगा यहाँ पे पूरी तरीके से आप लोग स्टेबिलिटी को हासिल नहीं कर पाओगे, ये ऑफ एंड ऑन और ये सब पैटर्न वगैरह चलेगा। और अगर ये कार्मिक है तो फिर मुश्किल होगा, मतलब कार्मिक है तो मुश्किल होगा, इन द सेंस कि थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है ये कनेक्शन आप लोगों के लिए कि आप लोग इतना एक्सपेक्टेशन लगाओ एंड फिर ये गायब हो जाते हैं, फिर ये आते हैं, फिर मतलब सब कुछ मतलब खिचड़ी पक जाती है आपके अंदर। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग उतना भी इंटरेस्टेड नहीं हो इस पर्सन में, अगर तो आई थिंक आपको थोड़ा सा इससे डिटैच होना चाहिए अपने मेंटल पीस के लिए। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये पर्सन चाहिए, मुझे सब कुछ मेरा इस पर्सन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर ये कार्मिक हो सकता है तो आप लोग में भी कुछ कार्मा अभी भी बाकी है वगैरह वगैरह, तो फिर आपको बस थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है। ऐसा नहीं है कि जो लाइक जैसा भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, आप बस हाँ में हाँ मिला रहे हो और आप बस बह रहे हो उसमें, तो ऐसा करने से नहीं होगा। थोड़ा सा आपको अपना बाउंड्रीज को संभाल कर चलना होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी के बहुत ज़्यादा चांसेस है और इससे भी ज़्यादा जो चांसेस है कि इस पर्सन का बिहेवियर कभी भी चेंज हो सकता है। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा है, श्योरिटी की कमी है, ब्लॉकेज की वजह से इनका दिमाग वैसे ही खराब रहता है, तो बहुत अनस्टेबल सा एक फीलिंग हो रहा है मुझे। व्हाट एल्स, या रिकंसिलिएशन होगा गाइज यहाँ पे। ओके, सी ये पर्सन आके आपसे बात करेंगे, रिकंसिलिएशन होगा, एवरीथिंग इज फाइन। तो अगर अभी आपको लगता है, जो मैंने आपको पहले ही एग्जाम्पल दिया वो पिज्जा वाला, अगर अभी आपको लग रहा है कि सब कुछ सही नहीं है या यहाँ पे ब्रेकअप हो रहा है या टूट रहा है कनेक्शन, ये पर्सन दूर जा रहे हैं मुझसे, तो एक ही सलाह दूंगी, जाने दो, टूटने दो, बहने दो, जो हो रहा है होने दो, कंट्रोल मत करो, जो हो रहा है होने दो, इनको भागना है इन्हें भागने दो। सही टाइमिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मायने रखता है, सही टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग इज द मेन की यहाँ पर। आप ज़बरदस्ती इस कनेक्शन में कुछ बदल नहीं सकते, आपको पेशेंस रखना होगा, आपको लेट गो करना होगा, आपको अपने ऊपर एक्शन लेना होगा। बट अगेन ये रीयूनियन जो है ये ज्यादा दूर नहीं है, ये काफी करीब है और ये होगा, तो आप वो चीज एक्सपेक्ट डेफिनेटली कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू योर करियर। थोड़ा सा आपके करियर के बारे में हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस करियर में आप लोग रख सकते हो। स्ट्रैटेजी, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, पेशेंस रिवर्स में है, देखो वुमेन होल्डिंग अ कॉइन ऑल टाइड अप। पैसा आप लोग अच्छा भला कमा लोगे, बट प्रॉब्लम क्या है पता है, आप लोगों के पास कोई प्लान या स्ट्रेटेजी नहीं है, जिसके वजह से आपका करियर जो ग्राफ है, फाइनेंशियल ग्राफ है, ये बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, स्टेबिलिटी नहीं आती है करियर में। ऐसा नहीं है कि आप पैसा कमा नहीं रहे हो, पर स्टेबल आप फील नहीं कर रहे हो, आपको लग नहीं रहा है कि हाँ चलो मैं मस्त हूँ, मतलब मैं स्टेबल हूँ, मैं एकदम सही हूँ अपने लाइफ में,
जो चीज़ें ज़रूरी है सब है मेरे पास, एकदम स्टेबल तरीके से है बैंक में, या इन्वेस्टेड है, ये है वो है। अब जब पैसा आता है, या तो आप खर्च कर देते हो, या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी सारी है, या तो आप प्रॉपरली फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं किए हो, स्ट्रैटेजी नहीं बनाए हो, कि आखिर में जाकर आपको वही लगता है कि यार मतलब मेरे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है, मैं तो स्टैग्नेंट हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। दो चीज़ें यहाँ पे बदलना ज़रूरी है। पहले तो आपका माइंडसेट जो एक लैक एनर्जी में जा रहा है कि मेरे पास नहीं है, नहीं है, नहीं है, ऐसा हो रहा है कुछ लोगों के लिए, तो पहले तो वो बदलना ज़रूरी है कि आप जो है पहले वो देखो, आपका पोटेंशियल देखो कि आप क्या कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि आप सही प्लानिंग के साथ, सही स्ट्रैटेजी के साथ जो भी करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। चाहे वो कुछ भी करो, बिजनेस करो, जॉब करो, पढ़ाई करो, जो करना है करो, बट प्रॉपर प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, डेडिकेशन के साथ आप जो भी करोगे वहां पर ही आपको सक्सेस मिलेगा। तो सोच समझ के करो, ऐसा नहीं है कि बिना सोचे बिना समझे बस काम कर रहे, चल रहा है चलने दो, हो रहा है होने दो, आ रहा है आने दो, ऐसा एटीट्यूड से कुछ नहीं होने वाला। कुछ लोग यहाँ पे बहुत कैजुअल हो गए हो, आपको लगता है कि हाँ सब हो जाएगा, बट कैसे होगा इसका कोई कुछ आइडिया ही नहीं है। लगता है हो जाएगा, समय के साथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ये सवाल उठना बहुत जरूरी है आप लोगों के मन में। पेशेंस रहना, मतलब पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। बहुत इम्पेशेंस है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है अपने करियर को लेके या फाइनेंसिस को लेके। कुछ लोग तो अच्छा जॉब भी कर रहे हो फिर भी फ्रस्ट्रेटेड हो कि मतलब मैं खुश क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, या हो पा रही हूँ, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। जो लोग जॉब में नहीं हो, या जो लोग स्टूडेंट हो, ये हो, उन लोगों का तो अलग ही चल रहा है। तो एक बहुत ज्यादा अनसेटिस्फाइड एनर्जी मुझे नजर आ रहा है आपके करियर से, आपके फाइनेंसिस से। लेकिन इस चीज को आप खुद ही ठीक कर सकते हो। यूनिवर्स आपको इतना बताना चाहते कि इस चीज को आप खुद ही ठीक कर सकते हो सही प्लानिंग और स्ट्रेटेजी और डिसिप्लिन के साथ। आप थोड़ा सा अगर इसको मैनेज करोगे तो आप देखोगे कि आपका लाइफ, आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे ही यूं ही खत्म हो जाएंगे। आप ऐसे ही थोड़ा सा बेटर रहने लगोगे, चीजें आपके लिए बेटर होने लगेगी। तो इस चीज पे फोकस करो कि आप प्रॉपरली चीजों को कर रहे हो, गाइडेड वे में कर रहे हो, एंड आप बस एक उबर खाबर ग्राफ फॉलो नहीं कर रहे हो जिंदगी में, क्योंकि उससे कुछ नहीं होने वाला। लेट्स सी मोर, और क्या जान सकते हैं अबाउट योर करियर, फाइनेंस, क्या कुछ मैसेजेस। शो द वर्ल्ड द रियल यू, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। अगर आपको कुछ अपना करना है ना, अपने आइडिया को अगर काम पे लगाना है तो लगाओ। डरो मत कि लोग क्या कहेंगे, बिजनेस चलेगा या नहीं। मतलब रिस्क उठाने की बात नहीं कर रही हूं, मैं ये कह रही हूं कि आप लोगों को फॉलो मत करो, आप अपना दिमाग लगाकर काम करके देखो कितना मजा आता है और कितना प्रोडक्टिविटी और सक्सेस भी मिलता है। आप जो भी काम कर रहे हो इस टाइम पे, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, स्टूडेंट हो, आप किसी के अंडर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होकर काम कर रहे हो। ये पर्सन जो बोल रहे हैं आप वो कर रहे हो, इनका आप इशारा फॉलो कर रहे हो, जो आपका काम हो सकता है कि ऑफकोर्स आपके सीनियर का आपको मान के चलना ही होगा, बट कहीं ना कहीं एक क्रिएटिव सेंस आपको डेवलप करना होगा, क्रिएटिविटी जो है वो बाहर लाना होगा, क्योंकि उससे बहुत हीलिंग मिलेगी, उससे आपके सिचुएशन को बहुत ज्यादा हीलिंग मिलेगी। तो आपको ये सोचना होगा कि आप कैसे अपनी क्रिएटिविटी के साथ काम करो, आप कैसे अपने आइडियाज के साथ काम कर सकते हो। अगर आप बिजनेस में हो तो बहुत ही अच्छा टाइम है कि आप इनोवेशन लेके आओ, आप नए आइडियाज लेके आओ, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करो, नए लोगों को पार्टनरशिप में लाओ, या नए लोगों के साथ यू नो बिजनेस करने की कोशिश करो, व्हाटएवर। तो सोचना होगा, दूर का सोचना होगा, एम्बिशन को थोड़ा सा ज्यादा सीरियसली लेना होगा, फ्यूचर ओरिएंटेड होना पड़ेगा। ये कुछ चीजें हैं जो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। और पैसों से रिलेटेड दिक्कत जो है, या आपको जो स्टक महसूस हो रहा है करियर में, इसके लिए कहीं ना कहीं आप खुद जिम्मेदार हो। और दूसरा है कि ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा आएगा नहीं या है नहीं, आपको बस मैनेज करना नहीं आ रहा है, या आपको बस यू नो स्ट्रैटेजिकली चीज़ों को करना नहीं आ रहा है, बस यही है प्रॉब्लम।
बाकी जो भी नया करना चाहते हो या जो भी अपना आइडिया लगाना चाहते हो, प्लीज लगाओ, आगे बढ़ो, क्योंकि आपको एक्शन के लिए डेफिनेटली कहा जा रहा है, क्रिएटिविटी को अंजाम देने के लिए डेफिनेटली कहा जा रहा है. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. मेरे सारे कार्ड्स यहाँ पे गिर गए थे. मुझे नहीं पता आज रीडिंग करते हुए कितना कुछ हो रहा है, मतलब एक के बाद एक चीजें हो ही जा रहा है. आई नीड टू डू सम क्लेंजिंग मे बी, आई डोंट नो. अच्छा, लास्ट हम लोग जो देखने वाले हैं वो है कुछ गाइडेंस मैसेजेस, जो भी लास्ट में यूनिवर्स आप लोगों तक कुछ भी एक्स्ट्रा मैसेजेस पहुंचाना चाहते हैं किसी भी चीज के बारे में, तो वो क्या है. फाइल टू के लिए क्या और मैसेजेस. एस ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, फाइल नंबर टू. आपके लिए जो मुझे सबसे पहला मैसेज यहाँ पे फील हो रहा है कि जो होना होता है ना वो मिल जाता है, वो हो जाता है, इसके लिए इतना सोचने की जरूरत नहीं है. मतलब जो जो चीज आपके लिए है, जिन चीजों पे आपका हक है, या हक छोड़ो मतलब डेस्टिनी समझ लो, तो वो चीज आप तक पहुंच ही जाएगा कैसे भी. मतलब वो आपको चिंता करना भी नहीं होगा, वो रास्ता यूनिवर्स तय कर लेंगे. आपको सोचना नहीं होगा कि कैसे होगा, कब होगा, किस दिशा से होगा, कैसे हो पाएगा, कौन करेगा. इतना मत सोचो बिकॉज यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि कुछ तो आप चाहते हो बट आपको नहीं पता, या आपको आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको श्योरिटी नहीं है कि क्या ये चीज आपको मिल भी सकता है, क्या ये हो सकता है, क्या ये मुमकिन है, क्या ये पॉसिबल है. एंड यूनिवर्स इज लाइक, आप एक बार के लिए सरेंडर करो और अपने ऊपर फोकस करो, और उस सबसे जरूरी ये है कि आप वो करो जो आपको लग रहा है कि मुझे इस वक्त, इसी वक्त मेरे लाइफ में मुझे करना चाहिए. तो इमीडिएट प्रायोरिटी के ऊपर फोकस करो, क्योंकि आप जिस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हो वो आपका इमीडिएट प्रायोरिटी नहीं है, वो आपका डिजायर हो सकता है, वो आपका चाह हो सकता है, चाहत हो सकता है, वो आपका फ्यूचर गोल हो सकता है, एम्बिशन हो सकता है, एम बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वो आपका इमीडिएट प्रायोरिटी नहीं है. इमीडिएट प्रायोरिटी से मेरा ये मतलब है कि मान लो कि आप बहुत ज्यादा बीमार हो, मतलब भगवान ना करे, मतलब जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा बीमार हो एंड आप बस ये सोच रहे हो कि अरे 6 महीने बाद तो मेरा एग्जाम आने वाला है, उसमें पता नहीं मेरे कितने मार्क्स आएंगे, क्या होगा नहीं होगा, आप पूरा टाइम वो सोच रहे हो. तो आप पहले ये सोचो कि आप कैसे अपने आप को ठीक करोगे. आप बीमार रहोगे तो आप एग्जाम दोगे कैसे, पहले तो आपको ठीक होना पड़ेगा जो आपका इमीडिएट प्रायोरिटी है. फिर ना आप सोचोगे कि हाँ 6 महीना बाद एग्जाम है, पढ़ना है, ये है वो. तो पहले ठीक होने के बारे में सोचो, पहले हील होने के बारे में सोचो. आप सोच रहे हो बाद में क्या होगा नहीं होगा, आप उसको लेके बैठे हो कि 6 महीने बाद क्या होगा, 6 साल बाद क्या होगा, पर आप ये आपको यही नहीं पता कल क्या होगा. उसका कोई फिक्र नहीं है पर आपको फिक्र है 6 साल बाद क्या होने वाला है, उसके बारे में आप पूरे बैठे हो, मतलब दिमाग वगैरह सब वहां पे लगा के बैठे हो आप आउटकम, लेकिन प्रोसेस का कोई अता पता नहीं है. दैट इज द प्रॉब्लम. तो यूनिवर्स अगर आपको गाइड कर रहे हैं कहीं पे किसी चीज पे, जो वो कर रहे हैं उसको सुनो, समझो, हैव सम पेशेंस. फाइल नंबर टू. कुछ लोगों को ये ट्रैवलिंग लेके कुछ प्रॉब्लम है. आप ट्रैवल करना चाहते हो बट आपका हो नहीं रहा है. आप मे बी ट्रैवल नहीं करना चाहते हो बट आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है.
सो कुछ लोग ऐसा प्रेयर है, मैनिफेस्टेशन है, या कुछ आप ट्रैवलिंग से रिलेटेड आप कुछ सोच रहे हो, पता नहीं. एंड यूनिवर्स इज लाइक, अभी उसके बारे में सोचकर फायदा नहीं है, या अभी उसका आंसर आपको नहीं मिलेगा, या अभी आप अभी वो आपका इमीडिएट प्रायोरिटी नहीं है. आपको दिमाग कहीं और लगाना पड़ेगा पहले, फिर आप वो सोचो, फिर आप उसके ऊपर दिमाग लगाओ. पहले जो जहां पे दिमाग लगाना जरूरी है पहले उसके. यासी द टावर मोमेंट, सेवन ऑफ कप्स. एंजाइटी गाइज, एंजाइटी हो रहा है पाइल थ्री, सॉरी पाइल थ्री को, पाइल टू को. क्या कर रहे हो आप लोग? लिसन लिसन, पाइल टू, या लिसन अप. प्रॉब्लम क्या है ना कि आप सुनते नहीं हो, आप बिल्कुल सुनते नहीं हो. आपको आपके गाइड्स लिटरली बार बार कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप शायद थोड़ा बहुत आप समझ रहे हो. मैं ये नहीं कहूंगी कि आप समझ ही नहीं रहे हो, आप समझ रहे हो, ऐसा नहीं है आप समझ नहीं रहे हो, आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो. या अच्छे से नहीं भी है तो थोड़ा आपको भनक तो है इस बात का, पर आप सुनोगे नहीं, आप ढीठ हो गए हो. वो जो होता है ना बच्चे, कि मुझे चाहिए, मतलब मुझे चाहिए बस, वरना मैं रोऊंगा, मैं तमाशा करूंगा. फिर उसके माँ बाप उसे डांटते हैं और यू नो लेके जाते हैं वहां से, समझाने की कोशिश करते हैं. तो आपके साथ भी वैसा हो रहा है कि आप ढीठ होकर बैठे हो कि नहीं मुझे चाहिए, मतलब मुझे चाहिए. और ये कोई चाहिए मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत मोटिवेटेड हो और ये नहीं, जिद है, जिद है, या तो इमोशनल अटैचमेंट है, या बस अटैचमेंट है. मतलब आपको लग रहा है कि इस चीज के बिना मैं क्या हूं, कौन हूं मैं, दिस इज माई लाइफ, ये पर्सन मेरी जिंदगी है, या ये चीज मेरा जिंदगी है, ये करियर मेरी जिंदगी है. समथिंग दैट इज बिकमिंग वेरी टॉक्सिक, क्योंकि आप ओवर गिव कर रहे हो. पाइल नंबर टू, ये चीज को समझो. आप किसी को मिठास देना चाहते हो जिंदगी में, आप उसे मिठास दो, पर इतना मिठास मत दे दो कि उसे डायबिटीज हो जाए, फिर वो मर जाए. प्रॉब्लम यहां पे हो रहा है. कुछ टाइम पाइल नंबर टू, ये सुनने में आपको पता नहीं गुस्सा आ सकता है, पर आपको कुछ टाइम अकेले रहना होगा, आपको हील करना होगा, आपको रेट्रोस्पेक्ट करना होगा, समझना होगा सिचुएशन को. एंड कुछ चीजें आप फोर्सफुली कर रहे हो, बट यूनिवर्स इज लाइक, आपको यहाँ पे फोर्स नहीं डालना है, और आप जितना फोर्स डालोगे उतना चीजें और बिगड़ेगा. तो आप थोड़ा सा आप अपने ऊपर भरोसा करो, थोड़ा सा आप ये सोचो कि आपको इस टाइम पे क्या करना चाहिए. आप किसी चीज को खोने से बहुत ज्यादा डर रहे हो कि पर्सन चले जाएंगे फिर नहीं आएंगे, ये रिश्ता चला जाएगा, ये जॉब चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, खो जाएगा कुछ, कोई चीज आपसे खो जाएगा, कोई चीज आपसे ले लिया जाएगा. एंड यूनिवर्स इज लाइक, जो आपका है वो क्यों आपसे ले लिया जाएगा? अगर कोई चीज आपका है सच में, अगर वो चीज आपका है तो क्यों डरना ही क्यों है? अगर वो आज नहीं मिल रहा है, वो 10 साल बाद भी आपका ही होगा अगर आपका है तो. और अगर आपका नहीं है तो वो आपका कभी था भी नहीं, हो भी नहीं सकता, और मतलब फिर तो आप हजारों कोशिश करो फिर भी नहीं होगा. बट स्ट्रेस लेके कुछ नहीं होगा, इतना स्ट्रेस, इतना एक बहुत नेगेटिव एनर्जी में हो आप पाइल टू, बहुत स्ट्रेसफुल एनर्जी, कैओटिक एनर्जी है. और इससे क्या हो रहा है पता है, आप इससे बहुत से अच्छे चीजों को, ब्लेसिंग्स को भी काइंड ऑफ अपने से दूर कर रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जी ही ऐसी है कि मुझे मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस ये चाहिए, मुझे बस ये चाहिए. दैट इज लिटरली व्हाट आई एम गेटिंग. आप अपने एलिमेंट को भूल रहे हो, आप ग्राउंडेड नहीं हो, आप अनहील्ड, एक बहुत ज्यादा एक अनहील्ड वर्जन को अपने सामने, मतलब अपने सामने नहीं, एक अनहील्ड वर्जन को अपने से निकाल रहे हो.
आप कहीं ना आप उस क्वीन एनर्जी में थे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाले एनर्जी में थे, आप ऑलमोस्ट एम्प्रेस एनर्जी में जाने वाले थे, लाइक आप सब सही कर रहे थे, लुकिंग गुड, डूइंग गुड, हैविंग अ गुड लाइफ, वट एवर आप कर रहे थे मुझे नहीं पता, कहीं ना कहीं आप सडनली पीछे आ गए, आप सडनली क्वीन से पेज बन गए या क्वीन से आप नाइट बन गए। क्यों? आप अच्छा कर रहे थे, सडनली आप पीछे हट गए, सडनली आपने अपने आप को रोक लिया, एंड आप कुछ ऐसे ऐसा आप कर रहे हो या करने के बारे में सोच रहे हो या थे जो आपके आपको उस क्वीन एनर्जी में रहने नहीं देता है। यानी आप जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप अगर मेल हो तो आप किंग समझ सकते हो, डजेंट मैटर, या किंग या क्वीन का जो एनर्जी था उसमें आप बैठे थे, एंड किसी वजह से आपने स्टेप बैक कर लिया, किसी वजह से आपने उस सिंहासन से आप उतर गए और आप नीचे आ गए, तो वो चीज आपके गाइड्स आपको फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि ध्यान दो कि आपके एक्शंस क्या है एंड उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। सोचो, प्रैक्टिकली भी सोचो, इमोशनली भी सोचो, बट सोचो। किसी चीज के बारे में ऑब्सेशन सा मुझे फील हो रहा है यहाँ पे, जो आपके हाँ आपके मेंटल हेल्थ को, गाइज आपके मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है, किसी टाइप का ऑब्सेशन, किसी टाइप का एडिक्शन, ये किसी इंसान के प्रति आपका एडिक्शन हो सकता है, किसी सब्सटेंस के प्रति भी हो सकता है, बट वो आपको ज्यादा पता होगा, बट यू नीड टू फोकस ऑन दैट एनर्जी। ये पर्सन, अगर कोई पर्सन के बारे में पूछ रहे हो, ये पर्सन आपको बहुत कुछ कहेंगे, बहुत सारे खुलासे करेंगे, पर अभी नहीं करेंगे। तो कोई भी सवाल जो आज तक इस पर्सन ने जिसका उत्तर आपको ना दिया हो, या आपको लगा हो कि पता नहीं इस सवाल का मुझे कभी खुलासा होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ये, पता नहीं वो, तो उसका आपको खुलासा मिलेगा, लाइक उसका उसका जस्टिस आपको मिलेगा कि कोई भी चीज़ आप आपसे छुपाया नहीं, अब और छुपाया नहीं जाएगा, जो चीज़ें आपसे छुपाया गया था वो सब आपके सामने होगा, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब आपके सामने होगा। तो आप वो फिक्र मत कीजिए कि आप एक धुएं में जिएंगे, आपको क्लैरिटी, वो बात नहीं है, आपको वो क्लैरिटी भी मिलेगी, आपको सारा कुछ मिलेगा, बट आपको अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करना है, अपने आप को सीरियसली लेना है, जो आप नहीं ले रहे हो, विच इज अ कंसर्न। तो यही था आपके लिए मैसेजेस, एंड आई होप कि आपको रेजोनेट करेगा, आपको अच्छा फील करवाएगा, नहीं भी कराया तो वो भी आप बता सकते हो कमेंट्स में, अच्छा लगा तो वो भी बता सकते हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये बहुत लंबा वीडियो हो गया है, पता नहीं सबको पसंद आएगा कि नहीं, बट आई थिंक यूनिवर्स को बहुत सारे मैसेजेस देने थे, एंड अभी मुझे थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं जब रीडिंग शुरू कर रही थी तो मुझे बहुत एक भारी, एक ओवरवेलमिंग सा एनर्जी फील हो रहा था, तो आई थिंक वो सारे मैसेजेस उतर गए हैं, चैनलिंग हो गई है, एंड जस्ट दैट कि थोड़ा सा सोचिए, टाइम लीजिए, फुल मून का टाइम है तो इमोशंस काफ़ी हाई हो सकते हैं, बहुत एक्सट्रीम इमोशंस आप फील कर सकते हो, लेकिन बस गहरी सांसें लीजिए और अपने आप को ये समझाइए कि समय एक बहुत पावरफुल चीज़ है, और समय के साथ बहुत कुछ बदलता भी है, हील भी होता है, सपने भी पूरे होते हैं, और इंसान का रियलिटी भी चेंज हो जाता है। तो बस भरोसा रखिए, हिम्मत करिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट टू यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं आपसे फिर शायद मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ, जुड़े रहिए, बने रहिए, सी यू अगेन, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।